जय श्री गुड इवनिंग जय श्री कृष्णा सर जय कृष्ण जय श्री 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 कृष्ण सर जय श्री कृष्णा सर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सर आज जो हम लोग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं ना इसी स्ट्रेटजी के चलते मेरा अभी तक सबसे ज्यादा पैसा बना है ठीक है जो आज स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं इसी स्ट्रेटजी के चलते सबसे ज्यादा पैसा बना है और अभी मैंने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक शेयर किए थे आप सबके साथ में तो अगर आप उसको भी देखोगे ना तो ऑलमोस्ट uh, सारे ही स्टॉक्स सा आज की ही स्ट्रैटी ठीक है जैसे इंडिगो पेंट्स भी उसमें हमने देखा था और फाइव इंडस्ट्रीज भी हमने देखा था या फिर बाकी इस तरह से कुछ स्टॉक्स थे सो so, आज की जो स्ट्रेटजी इस है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कि हम बिजनेस को कितने अच्छे से समझ पाते हैं और ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी मतलब इसीलिए जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना यूट्यूब पर वहां पर जब भी स्टॉक से रिलेटेड बातें करते हैं तो मैं कंप्लीट स्टडी इसीलिए यूज करता हूँ कि हम बिजनेस को समझ सकें कि बिजनेस है क्या और बिजनेस को समझने के लिए बहुत बार मैंने जैसे ट्वीट भी करता हूँ आपको तरीके भी बताता हूँ कि जो रिचेस्ट मैन है जो कंपनी के ओनर्स हैं अगर हम उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो हमें उसी बिजनेस के बारे में पता चलेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम आनंद महिंद्रा जी का इंटरव्यू देखें तो वो अपने इंटरव्यू में कौन से सब्जेक्ट पर बात करेंगे 90% परसेंट केसेस में ही विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री है ना कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री मीन्स इसका फ्यूचर क्या है आज की डेट में परेशानियां क्या है कहां से कहां तक आए हैं और कैसे आए हैं अगर हम टीसीएस के सीईओ की अगर इंटरव्यू देखेंगे तो किस बात का पता चलेगा आईटी इंडस्ट्री का पता चलेगा नारायण मूर्ति जी का देखेंगे तो आईटी इंडस्ट्री का पता चलेगा राइट right? और ऐसे ही इसी तरीके से जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ हैं उनकी बात सुनेंगे तो क्या पता चलेगा जैसे नेस्ले के सीईओ ने अभी बताया दैट दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड दे आर गोइंग टू हैव टेंथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो अगर उनकी बातें सुनेंगे तो उनके बारे में पता चलेगा लेकिन अगर नेटफ्लिक्स पर हम सीरीज देखेंगे तो क्या पता चलेगा राइट right, तो मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है So, uh, हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया कि uh, जितने भी सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं ऑल हैव बीन पॉजिटिव पीपल तो वो क्या करते हैं किसी भी चीज में जो पॉजिटिव पॉइंट होता है उसको uh, अपने पास मीन्स कैच कर लेते हैं और जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं कि कुछ भी सीखो जो पॉजिटिव चीज है उसको सीखते हैं नेगेटिव पीपल कैन नेवर बिकम सेल्फ मेड रिच पीपल Negative पीपल कैन नेवर बिकम सेल्फ मेड रिच पीपल अगर मम्मी पापा से चीजें मिली हैं और वो नेगेटिव हैं तो कुछ टाइम तक तो वो चीजें चल जाएंगी वो डिपेंड करेगा कितने नेगेटिव हैं या कितना हम गलत काम करते हैं लेकिन जीरो से स्टार्ट करके अगर कोई रिच बन सकता है कोई ताकतवर बन सकता है कैपिटलिस्ट बन सकता है बिलियनियर बन सकता है या मल्टी मिलियनियर बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉगी हो सकते हैं तो अगर हमारे अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है और वो जाने में दिक्कत कर रही है हम खुद से ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर नेगेटिविटी हमारे माइंड से निकल जाए हमारे अंदर से निकल जाए तो ईश्वर की भक्ति इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राइट right, ईश्वर की भक्ति इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब ईश्वर कौन से ईश्वर की भक्ति की जाए मतलब जिनसे आपका मन बने कुछ लोग हनुमान जी को आ, अपना इष्ट देव मान सकते हैं कुछ कृष्णा को मान सकते हैं कुछ राम को मान सकते हैं कुछ महादेव को मान सकते हैं वो अपनी अपनी चॉइस है कोई अपने गुरुदेव को मान सकते हैं सो इट्स अ चॉइस तो उनके साथ अपना कनेक्शन मेंटल कनेक्शन बनाने से क्या होता है हमें ताकत मिलती है और क्योंकि ये सारे ही जो परमात्मा की मैं बात कर रहा हूं सारे ही फुल ऑफ पॉजिटिविटी है तो जैसे लोगों के साथ आप रहोगे आप वैसे ही बनोगे तो ईश्वर की भक्ति करने से होता क्या है क्योंकि ईश्वर इज ए फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन हम उनके साथ रहेंगे उनकी उनकी बातें करेंगे उनकी बातें सुनो सुनेंगे उनको माइंड में रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएंगे इस चीज को कैसे समझा जाए प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए अगर सपोज हम किसी ऐसे वेयर हाउस में हैं या ऐसी शॉप में हैं जहां पर सैंडल रखा हुआ है सैंडल मीन्स चंदन नोटा स्लीपर पहनने वाला नहीं जो सैंडल है यानी कि चंदन है या चमेली का वहां पर इत्र रखा हुआ है अगर हम वहां पर एक घंटे रह लें और हम बाहर निकल कर आए तो हमें हम से क्या खुशबू आएगी ऑफ कोर्स या तो चंदन की खुशबू आएगी या फिर जो दूसरा वहां पर इत्र होगा उसकी खुशबू आएगी लेकिन अगर हम एक घंटा किसी गार्बेज जहां पर पूरा गार्बेज फुल ऑफ गार्बेज हो जहां बदबू आ रही हो हम वहां पर खड़े हो जाएं एक घंटे तो क्या होगा उस एक घंटे के बाद क्या होगा हम में से सेम बदबू आएगी तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदिर जाने से होता क्या है मंदिर में बैठने से होता क्या है मंदिर में बैठने से यही होता उनको तभी समझ में आएगा आई डू रिमेम्बर जब मैं अपनी सी कर रहा था और ऑडिट पर हम कुछ डिस्टिलरीज में जाते थे यानी कि जहां पर अल्कोहल बनती है जो शुगर मिल का ही एक प्लांट होता है खासतौर से डीसीएम श्रीराम में तो आ, वहां जब ऑडिट पर जाते थे और उनकी काउंटिंग करनी होती थी थर्टी फर्स्ट मार्च को वेयर हाउस की और जब काउंटिंग करके निकलते थे ना टू आवर्स में चार दिन तक भी हमारी बॉडी से बदबू नहीं जाती थी और जबकि पी नहीं होती थी टच नहीं किया होता था सिर्फ वेयर हाउस में रहने के बावजूद यह हाल होता सो so, ये जो पॉजिटिविटी है इसका एक ही सोल्यूशन है जितने लाइफ में नेगेटिव लोग हैं उनको निकाल दो अब निकालने के लिए हो सकता है कुछ रिलेटिव्स हो हो सकता है कुछ फैमिली मेंबर्स हो तो वो आपने प्रैक्टिकली कैसे समझना है कैसे उनकी नेगेटिविटी से दूर रहना है उनसे किस तरह की बात करनी है वो आपको पर्सनली देखना है बिकॉज आई कैन नॉट टेल यू कि वो कौन है अब अगर पापा ही हमारे नेगेटिव हैं तो क्या करोगे ऐसा हो सकता है ना अगर मम्मी ही नेगेटिव हैं क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी रही बचपन में या उनकी यंग एज में तो क्या करोगे वो आपको टैक्टिकली हैंडल करना है कि उनकी ईगो भी हर्ट ना हो नेगेटिव पीपल जितने भी हैं आप उनकी ईगो को अप्रिशिएट करो और आप उनको जीत लोगे दिस इज सो इजी नेगेटिव लोगों की ईगो को आप अप्रिशिएट कर दो कि हाँ आप ही सही हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो एंड बस हो गया और अपने काम पर लग जाओ आप समझ पा रहे हो बात को अगर आपकी मजबूरी है तो ऐसे हैंडल कर लो मजबूरी नहीं है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं सो so, यहां पर जो लोग ये कहते हैं ना कि थर्टी uh, परसेंट नहीं बन सकता या ट्वेंटी परसेंट नहीं बन सकता ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं बन सकता कितना तो वारन बफेट जी ने भी नहीं बनाया वारन बफेट जिस टाइम पर मेहनत करते थे मैं आपको बता देता हूं वारन बफेट जिस टाइम पर मेहनत करते थे उस टाइम पर उनकी सीएजीआर एजीआर नाइनटीन परसेंट नहीं थी उस टाइम पर उनकी सीएजीआर एजीआर फोर्टी परसेंट थी थर्टी फाइव परसेंट थी फोर्टी सेवन परसेंट थी फोर्टी एट परसेंट थी जिस टाइम पर वो मेहनत करते थे पर एक बार इंसान के पास वन बिलियन डॉलर हो जाएं आप समझो द मोमेंट एट द एज ऑफ फिफ्टी नाइन रिच टू वन बिलियन बिलियन होने के बाद में किसका इतनी इतनी मेहनत मेहनत करने करने का का का, मन मन करेगा? करेगा आप खुद ही सोच कर देखो, किसी का मन नहीं ज्यादा क्योंकि उसके ऊपर सारे नंबर हैं और बफेट उस नंबर वाली रेस में कभी नहीं रहे वो उनका व्यक्तित्व ही नहीं है वो उनकी पर्सनैलिटी नहीं है उनका कैरेक्टर ही नहीं है कि वो उस रेस गेम में आए अगर रेस गेम में उनको आना होता तो सोचकर देखो जितना उनके पास फंड है वो किसी भी कंपनी को नीचे से उठाकर ऊपर ले जा सकते थे डम कर सकते थे फिर से कर सकते थे ही कुड हैव लेकिन वो उनका बेसिक नेचर ही नहीं है एंड दैट इज द रीजन अगर आप लास्ट थर्टीन ईयर्स की उनकी सीएजीआर देखोगे देन दिस इज ओनली एट परसेंट वारेन बफेट सर की लास्ट थर्टीन ईयर्स की सीएजीआर सिर्फ एट नाइन है और जो लास्ट थर्टीन ईयर्स की सीएजीआर सिर्फ एट नाइन परसेंट है इसी ने उनके पूरे करियर की सीएजीआर को कम कर दिया है इसी ने उनकी पूरे करियर की सीएजीआर को कम कर दिया है तो जो लोग ये कहते हैं कि इतना तो उन्होंने भी नहीं कमाया बिकॉज उन्होंने जिस टाइम पर मेहनत की उन्होंने कमाया और जब मेहनत नहीं की उन्होंने नहीं कमाया दिस इज सो सिंपल तो सेम ही चीज यहां पर है जो लोग मेहनत करेंगे वो कमाएंगे जो नहीं करेंगे वो नहीं कमाएंगे तो हमारे हाथ में है हमारी इनकम का लाना इनकम को हमारी हाथ में लाने के लिए एक तो जब हम मेहनत करने बैठे तो हमारी बॉडी थके नहीं हमारा शरीर थके नहीं ये चीज सबसे प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है क्योंकि अगर ऑफिस से आने के बाद में हम थक गए तो हम मेहनत कर ही नहीं पाएंगे हम वेबसाइट ओपन करके देख ही नहीं पाएंगे हम स्क्रीन डोटिन ओपन ही नहीं कर पाएंगे हिम्मत ही नहीं होगी तो इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखना सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सेकेंड रिक्वायरमेंट है टाइम को मैनेज करना क्योंकि अगर थके नहीं लेकिन अपने पास टाइम नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास देखने के लिए टाइम नहीं होगा जो अक्सर काफी लोग कहते हैं विवेक भाई टाइम नहीं है कुछ सही होते हैं लेकिन कुछ का टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता इसलिए टाइम नहीं होता तो अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो उसको टाइम मैनेजमेंट ठीक करो क्योंकि शरीर ठीक है टाइम नहीं है तो भी हम मेहनत नहीं कर पाएंगे राइट तो दूसरी चीज होगी टाइम मैनेजमेंट का ठीक करना थर्ड हमारा पॉइंट आता है पॉजिटिव रहना पॉजिटिव रहना किस सेंस में कि हमने बीज बोए हैं और क्योंकि हर साल बारिश होती है तो इस बार भी बारिश होगी लेकिन अगर किसी एक साल बारिश नहीं हुई तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि अब बारिश कभी नहीं होगी और सबको खेती करना बंद कर देना चाहिए कोई भी किसान अगर किसी एक साल बारिश नहीं होती तो अगले साल बीज बोना बंद नहीं करता सेम चीज मार्केट में होती है अगर लास्ट वन एंड हाफ ईयर में या टू ईयर में उतना पैसा नहीं बना जितना बनता है सो इट्स ओके ऐसा नहीं है कि अब बनना बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है कि एच डी एफ सी बैंक नेट ने ने प्रॉफिट नहीं बढ़ाया कोटिक बैंक के नेट ने प्रॉफिट नहीं बढ़े या रिलायंस के नेट प्रॉफिट नहीं बढ़े या टीसीएस के नेट प्रॉफिट नहीं बढ़े नेट प्रॉफिट बढ़े हैं और शेयर प्राइस नीचे आया है दिस इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी आप समझ पा रहे हो बात को तो अगर कभी कभी ऐसा होगा कि वन ईयर पैसा नहीं बने या टू ईयर पैसा नहीं बने इट्स ओके दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट बिहेव्स मार्केट ऐसे ही काम करती है ये ऐसे ही चलेगी ये हर साल पैसा नहीं बनाएगी और हर साल बनाएगी तो इक्वल नहीं बनाएगी कभी कम कभी ज्यादा एंड अगर हम थ्री इयर्स की पूरी साइकिल कंप्लीट कर पाए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे पैसे को बेयर मिनिमम डबल करने से नहीं रोक सकती एवरी थ्री इयर्स आप समझ पा रहे हो मेरी बात को दुनिया की कोई भी ताकत एवरी थ्री इयर्स हमारे पैसे को डबल होने से नहीं रोक सकती आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर टैक्स और अगर एवरी थ्री इयर्स हमारा पैसा डबल होता है तो टेन ईयर्स में हमारा पैसा टेन टाइम्स होता है और अगर टेन ईयर्स में टेन टाइम्स होता है तो ट्वेंटी ईयर्स में ट्वेंटी टाइम्स नहीं होता हंड्रेड टाइम्स होता है क्योंकि टेन के आगे एक और जीरो लग जाती है और थर्टी ईयर्स में हंड्रेड टाइम्स का टू हंड्रेड टाइम्स नहीं होता वो हमारा वन थाउजेंड टाइम्स होता है और हम सबके पास थर्टी ईयर्स हैं चाहे हम सिक्सटी के हों आज की डेट में जैसा मैंने बताया आपको वी नीड टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ और जब हमारे पास पैसा आता है ना तो हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है अपने सेहत का ख्याल रखने की क्योंकि हम उन चीजों को परचेज कर सकते हैं जो हम गरीबी में नहीं कर पा रहे थे हम अपने घर में मेड रख सकते हैं साफ सफाई के लिए जो हम पहले शायद नहीं कर पा रहे थे या हम वो सारे बाकी रिसोर्सेस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स परचेज कर पाते हैं थोड़ा सा पैसा आने के बाद में जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे तो पैसा हमें लॉन्जिविटी में भी हेल्प करता है हमारी मीन्स लाइफ को बढ़ाने में भी हेल्प करता है हमें कैल्शियम की टैबलेट परचेज करने के लिए कैपेबल बनाता है हमें वाइटमिन की टैबलेट परचेज करने में हमें कैपेबल बनाता है आप समझ पा रहे हो ना इस बात को तो ये सब चीजें एक दूसरे को पूरा करती हैं ये पूरा कहें एक दूसरे को तो यहां सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हेल्दी रहना दूसरा है टाइम मैनेजमेंट तीसरा ये सब कुछ अपने आप आएगा उसके बाद बिकॉज वंस यू विल स्टार्ट मैनेजिंग योर टाइम टाइम सिर्फ वही लोग मैनेज कर सकते हैं जो विजडम को इंपोर्टेंस दे क्योंकि ये विजडम का पार्ट है ये टेक्निकल स्किल्स का पार्ट नहीं है ये इंटेलिजेंसी का पार्ट नहीं है ये विजडम का पार्ट है हाउ टू मैनेज टाइम रिच लोग और पुअर लोगों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है द लार्जेस्ट डिफरेंस इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्योंकि जैसे ही हम टाइम को मैनेज करना शुरू कर देते हैं हमारे पास स्किल्स डेवलप करने का टाइम आ जाता है और जैसे ही हम अपनी स्किल्स डेवलप करना शुरू करते हैं पॉजिटिविटी भर भर के आती है पॉजिटिविटी वहां नहीं आती जहां पर स्किल्स डेवलप नहीं होते जहां पर स्किल्स में ग्रोथ नहीं होती उन लोगों को लगता है कि 10 का भी इंक्रीमेंट कैसे आएगा वहां चैलेंजेस आते हैं कि ट्वेंटी थाउजेंड की सैलरी कैसे आएगी फिफ्टी थाउजेंड की सैलरी कैसे आएगी बट समन हु इज वर्किंग ऑन इंप्रूविंग द स्किल्स एवरी डे एवरी डे वन आवर एवरीडे वन आवर ऑन स्किल्स इंप्रूवमेंट उसको टेन मंथस की एवरी डे वन आवर स्पेंड करने के बाद में डाउट आ ही नहीं सकता कि उसकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी of course बढ़ेगी बहुत अच्छे से बढ़ेगी उसके माइंड से ये रिस्क निकल जाता है कि नौकरी छूट गई तो क्या होगा सबसे पहली बात तो अपने ऑफिस से निकाले जाने वाले आप सबसे लास्ट एम्प्लॉय होंगे सबसे लास्ट में नंबर आएगा इफ यू आर इंप्रूविंग योर स्किल्स एवरी डे सबसे लास्ट में नंबर आएगा और अगर बाई चांस आ भी गया तो दूसरी नौकरी फटाक से मिल जाएगी क्योंकि आपने स्किल्स इंप्रूव किए हैं आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, सो so ये चीजें हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने में हेल्प करेंगे आपके अंदर जो ये चीज आती है ना कि यार तो बूढ़े हो रहे हैं ये चीज निकल जाएगी झट से ये एकदम से निकल जाएगी क्योंकि अभी फोर्टी फाइव की एज में है और अगर हम बूढ़े फील कर रहे हैं अपने आप को तो उम्र ज्यादा नहीं हुई शरीर बोल रहा है कि आप बूढ़े हो गए हो उम्र बूढ़ी नहीं हुई है तो अगर शरीर आपको यह बता रहा है कि आपकी उम्र से मैं ज्यादा बूढ़ा हो गया हूं इट मीन ये इंडिकेशन है ये सिग्नल्स हैं एंड वी नीड टू वर्क ऑन वर्किंग के लिए सबसे सिंपल उपाय क्या है सबसे पहले ऑयल खाना छोड़ो एंड सेकंड शुगर खाना छोड़ो ये दो चीजें स्टॉप कर दो बस नथिंग एल्स और ये दो चीजें थ्री मंथ तक स्टॉप करो एंड यू सी द रिजल्ट बाकी चीजें अच्छी करने का आपका अपने आप से मन होगा ये कंपाउंडिंग इफेक्ट में चलना सारी चीजें एक साथ मत करना एक एक करके करना शुरू करना उसका रिजल्ट देखना शुरू करना और जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपको और सब काम करने का मन करेगा अंदर से क्योंकि पॉजिटिविटी आएगी किसी भी एक चीज से पॉजिटिविटी को इग्नाइट करो और जैसे गाड़ी सीधा हंड्रेड की स्पीड पर नहीं पहुंचती ना पहले फर्स्ट गियर में होती है भले ऑटोमेटिक हो तब भी फर्स्ट गियर में होती है रोटेशन बनती है और इंजन स्टार्ट होता है और रफ्तार पकड़ता है आरपीएम बढ़ता है फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स उसके बाद अपनी चॉइस है कि कहां कम करना है कहां ज्यादा करना है सो सेम चीज लाइफ में करो पॉजिटिविटी को लेकर छोटी सी चीज से स्टार्ट करो टाइम मैनेजमेंट में छोटी सी चीज से स्टार्ट करो और उसके बाद में सारी चीजें अपनी होंगी फिर सो करोड़ चाहिए सो करोड़ आएंगे हजार चाहिए हजार आएंगे दस हजार चाहिए दस हजार आएंगे वो डिपेंड करेगा हमारी ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि इतने पैसों का ऑब्जेक्टिव क्या है करना क्या है हमें राइट right? जैसे ऑब्जेक्टिविटी को लेकर मैं बात करता हूं काफी लोग ये कहते हैं क्योंकि मैं ट्विटर पर सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो करता हूं और मैं उनको इंसान नहीं मानता मैं उनको परमात्मा ही मानता हूं रविशंकर जी ठीक है कुछ लोग कहते हैं कि जो कोर्स होता है उसके थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज आर्ट ऑफ लिविंग का जो प्रिलिमिनरी कोर्स है उसके क्यों चार्ज करते हैं यार उनकी अगर आप काम देखोगे ना कितनी सूखी नदियां को उन्होंने पानी से भरा है तो आपको पता चलेगा उनका ऑब्जेक्टिव क्या थर्टी फाइव हंड्रेड के पीछे और उस थर्टी फाइव हंड्रेड में भी सारा पैसा वहां नहीं जाता जो टीचर्स हैं उनके पास भी जाता है छोटा सा पार्ट उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और जिस रूम में वो क्लासेस होती है उसका भी खर्चा होता है सो वी नीड टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन दैट सेंस छोटा छोटा सा ऑब्जेक्टिविटी लेकर आएंगे हमें पता होगा कि हजार करोड़ के बाद करना क्या है कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना है और क्यों करना है राइट right? या कौन से वर्ग को सपोर्ट करना है और क्यों करना है या अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर विलेज में बिल्कुल तरक्की नहीं हुई गर्ल्स पीछे हैं इनकी इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है तो हमारे पास रीजन होंगे फिर मन लगेगा और पॉजिटिविटी आएगी कमाने का मन करेगा शांत बैठने का मन नहीं करेगा आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को क्योंकि मार्केट में कमाना है अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव मैं ये बस सब बातें क्यों कह रहा हूं मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं बिकॉज स्ट्रेटजी सीखने के बाद में वंस यू हैव ए पोर्टफोलियो ऑफ टेन करोड़ रुपीज बिलीव मी उसके बाद कमाने का मन आपका बंद हो जाएगा दस करोड़ अपने आप में इतने होते हैं लिक्विड एसेट्स में एक बार टेन करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया ना और उसके बाद स्टॉक्स को रखे रखने के बावजूद भी ट्वेंटी परसेंट का सीएजी आर आया बिना कुछ किए जो आता है अच्छी कंपनीज में तो दो करोड़ रुपए साल के आते हैं जनरल लाइफ में घर के खर्चे दो लाख रुपए महीना से ज्यादा के नहीं होते ठीक है ना हम हम अगर अच्छी जगह भी रहते हैं तो भी दो लाख रुपए महीना से ज्यादा का खर्चा नहीं होता चौबीस लाख में खर्चा चल जाता है ट्वेंटी फोर में उसके बाद मन खत्म हो जाता है एक्टिव इनकम का कुछ भी करने का तो टेन करोड़ से ऊपर अगर कमाने हैं और इसको आगे लेकर जाना है देन यू नीड टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ दिस लाइफ कि इसका ये यूज होगा वो सबका अलग अलग हो सकता है वो सब अपने आप से आप डिसाइड करोगे आप समझ पा रहे हो किसी मेरी बात को ना तो यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है आज की जो स्ट्रेटजी है ये स्ट्रेटजी में बिजनेस एनालिसिस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी एक कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ सीखी जा सकती है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक बार टीसीएस के बिजनेस को समझ लिया तो टीसीएस के बिजनेस को समझने के बाद में इंफोसिस के बिजनेस को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एच टेक्नोलॉजीज के बिजनेस को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है या विप्रो के बिजनेस को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अब के के यानी कि आईटी बिजनेस को समझने के लिए क्या करना है वी जस्ट नीड टू स्पेंड टेन आवर्स इन वॉचिंग दीओ वीडियोज ऑफ आई टी कंपनी एंड जस्ट टू रीड ए फ्यू कॉन कॉल्स जो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद होती है राइट right? सिर्फ इतना करने की जरूरत है उससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं हमें समझ में आ जाएगा उनकी दो तीन अगर हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ लें उनके नंबर चेक कर लें उनके सेगमेंट जो वर्टिकल्स हैं उनको चेक कर लें या यूट्यूब या गूगल पर जाकर सर्च कर लें द बिगेस्ट कस्टमर्स ऑफ टीसीएस या बिगेस्ट कस्टमर्स ऑफ इंफोसिस आप समझ रहे हो इस बात को तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इनका बिजनेस क्या है नेचर क्या है और एक बार बिजनेस समझ में आ जाए उसके बाद में टेमप्रेरी स्टॉक प्राइस नीचे आए तो हमें डर नहीं लगता हमें वो अपॉर्चुनिटी नजर आती है हमें सिर्फ डर तब तक लगता है जब तक हमें इस बात का नहीं पता होता कि बिजनेस क्या है फॉर एग्जाम्पल कोलगेट अमेरिका में वॉर होने की वजह से अगर नीचे आ जाए तो डर लगेगा क्या ऐसा कौन सा दिन है जब हम ब्रश नहीं करेंगे या ऐसा कौन सा रीजन होगा जब हम ब्रश नहीं करेंगे देर इज नो रीजन एंड देर इज नो डे चाहे सर्दी है गर्मी है बरसात है टेम्परेचर कुछ भी है चाहे हम फंक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं घर पर हैं, छुट्टी है वर्किंग है एनी थिंग तो जब बिजनेस समझ में आ गया अब किस बात कर दो अगर कोलगेट नीचे आता है दिस इज एन अपॉर्चुनिटी सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट अगर मार्केट में कॉन्फिडेंस लाना है अब जैसे मैंने आपको कोलगेट का बता दिया मुझे आपको यह चीज बताने में कितनी देर लगी टू मिनट सबको पता था आप ऑफ कोर्स सबको पता था इस चीज का लेकिन शायद ध्यान नहीं दिया राइट right? शायद ध्यान नहीं दिया लेकिन अब हमने एक बार ध्यान दे दिया अब सारी जिंदगी इस बात को भूलेंगे क्या द ब्यूटी ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इज कि एक बार चीज समझ में आ जाए उसके बाद लाइफ टाइम के लिए याद रहती है दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने पेंट कंपनीज को लेकर कुछ वीडियोस बनाई मैंने पेंट कंपनीज में क्या जिक्र किया बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में कि जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके रॉ मेटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं और अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के साथ में डॉलर का प्राइस भी बढ़ जाए तो इंडियन टर्म्स में क्रूड का प्राइस और बढ़ जाता है क्योंकि क्रूड का प्राइस हमने चेक कर लिया सिक्सटी डॉलर पर बैरल और सिक्सटी डॉलर से अगर ये बढ़कर एटी डॉलर हो गया तो कहने को तो थर्टी थ्री परसेंट बढ़ा लेकिन अगर डॉलर भी 75 से बढ़कर 80 हो गया तो ये 33 परसेंट नहीं बढ़ा ये और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हम जब इंपोर्ट करेंगे तो इंडियन रुपीज में इंपोर्ट होकर आएगा ये राइट और जब डॉलर डाउन आया और यहां पर क्रूड भी डाउन आया लेकिन लास्ट टाइम जब प्राइसिस बढ़े थे रॉ रोमेटेरियल के उस वजह से एशियन पेंट ने अपने पेंट के प्राइसेस बढ़ा दिए तो एक बार किसी भी कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएं तो कभी कम नहीं होते Never ever. लेकिन अब प्राइसिस प्रोडक्ट के तो बढ़ गए और रो मेटेरियल के प्राइसिस कम हो गए तो जितना पहले प्रॉफिट कम हुआ ना उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट अभी निकल कर आएगा तो अगर लास्ट टाइम अपने रो मेटेरियल के प्राइसिस बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई और स्टॉक प्राइस नीचे आया तो यह सिर्फ अपॉर्चुनिटी है उससे ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि ये रिवर्स साइकिल आएगी थर्टी फोर्टी फिफ्टी परसेंट इन ग्रेट कंपनीज में बनाने का मौका मिलेगा दिस इज सो इजी बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन अदरवाइज लोग क्या कहेंगे विवेक भाई एशियन पेंट्स का नेट प्रॉफिट कम हुआ है और रीजन पता है क्या बताएंगे दैट ग्रेसिम इज गोइंग टू एंटर इन दिस मार्केट जिस कंपनी ने अभी तक एंटर नहीं किया सिर्फ डर से नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा क्या आप समझ रहे मेरी बात को कि स्टॉक प्राइस इसलिए डाउन है क्योंकि ग्रेसिम एंटर कर रहा है या स्टील एंटर कर रहा है जिंदल ग्रुप एंटर कर रहा है इसलिए डाउन है. प्राइस करने का रीजन बनाया गया है रीजन बनाने में क्या दिखाया गया है द नेट प्रॉफिट पेंट कंपनी वो नीचे आया है लेकिन ये नेट प्रोफिटेबिलिटी का नीचे आना क्या परमानेंट है नोट इन्फ्लेशन इज नेवर परमानेंट इन्फ्लेशन कभी भी परमानेंट नहीं होता क्योंकि जैसे ही इंफ्लेशन एक लेवल से ऊपर जाएगा उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी और जैसे ही डिमांड कम होगी डिमांड और सप्लाई मैच करेगी और इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा दिस इज सो सिंपल ये टेम्परेरी है ऑलवेज अब जब ये टेम्परेरी है इट मीन्स नेट प्रोफिटेबिलिटी वापस से ऊपर जाएगी राइट right? और नेचुरल डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी और ऊपर जाएगी और स्टॉक प्राइस नीचे है दिस इज द अपॉर्चुनिटी आप समझ पा रहे हो ये कितना आसान सा पॉइंट है दिस इज सो इजी टू अंडरस्टैंड लेकिन पता कब चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या है इसका प्रोडक्ट बनता किस चीज से है उस उसका प्रोडक्ट के प्राइसेस अफेक्ट किस चीज से होते हैं फॉर एग्जाम्पल टायर हैं हम से बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि टायर के बनाने में रबर बहुत कम यूज होती है और क्रूड ज्यादा यूज होता है ये बहुत कम लोगों को पता है अब हमने लास्ट टाइम क्या देखा कि रिलैक्सो का नेट प्रॉफिट कम हो गया आपको पता है रिलैक्सो इज द ओनली कंपनी ओनली शू मेकिंग कंपनी जो नॉन लेदर जो नॉन एनिमल लेदर यूज करती है रिलैक्सो इज द ओनली शू मेकिंग कंपनी जो एनिमल लेदर को यूज नहीं करती अब अगर वो एनिमल लेदर यूज नहीं करती और उसका मेन प्रोडक्ट हवाई चप्पल है अब हवाई चप्पल किस चीज से बनता है हवाई चप्पल में दो चीजें यूज होती हैं रबर एंड क्रूड रबर एंड क्रूड रबर के प्राइसेस भी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े हैं और क्रूड के प्राइसेस भी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े हैं अब जब क्रूड की वजह से प्राइसेस बढ़े हैं तो नेट प्रॉफिट तो कम होगा पर क्या क्रूड के प्राइसेस परमानेंट है ऊपर जाना नो दिस इज नॉट परमानेंट तो जब नीचे आएंगे तो नेट प्रॉफिट वापस ऊपर नहीं जाएगा क्या ऑफ कोर्स जाएगा और जब वापस से ऊपर जाएगा तो दिस इज अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी लेकिन यह चीज कब पता चलेगी जब हमें पहले तो यह पता हो कि रिलेक्सो का मेन प्रोडक्ट क्या है वो एनिमल लेदर यूज ही नहीं करता वो आर्टिफिशियल लेदर यूज करता है और आर्टिफिशियल लेदर को बनाने में क्रूड यूज होता है ये पता तो हो और ये पता कब चलेगा जब हम रिलैक्स के सीईओ के इंटरव्यू सुनेंगे उनकी वेबसाइट पर जाएंगे उनका मिशन एंड विजन देखेंगे उनके प्रोडक्ट्स के बारे में रीड करेंगे उनके प्रोडक्ट के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे और ये कब होगा जब हम टाइम को मैनेज करेंगे टाइम को मैनेज करने के बाद भी कब होगा जब ऑफिस से आने के बाद में हमारे शरीर में ताकत बचेगी तो ये सारी चीजें है अगर एक भी चीज मिस हो गई तो सब बेकार हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आपने आलू टमाटर की सब्जी बनानी है और उसमें ट्वेंटी आइटम्स डलते हैं अलग अलग सब मिला के पानी भी मिला लिया जीरा धनिया हींग पाउडर सब कुछ मिला लिया आलू सब मिल, सब कुछ मिला के अगर एक भी चीज मिस हो गई तो टेस्ट आएगा क्या ये खाने लायक रहेगी क्या अगर एक भी चीज मिस हो गई, ये स्टॉक मार्केट ऐसी है हम क्या कोशिश करते हैं सिर्फ स्ट्रेटजीज़, नो ओनली स्ट्रेटजीज विल नेवर वर्क इट्स ए कंप्लीट बुके हमें हर एक पॉइंट पर ध्यान देना है जैसे काफी लोग मुझसे पूछते हैं विवेक भाई आपके यूएस पोलो में और आप में ये संबंध क्या है मीन्स आप हमेशा यूएस पोलो पहनते हो दिस इज ओनली टू सेव माई टाइम That's it. मुझे सोचना ना पड़े कि शोपर स्टॉप में जाके परचेज क्या करना है दिस इज ओनली टू सेव माई टाइम नथिंग एल्स नथिंग एल्स मुझे यह पता है कि जो कलर की टी शर्ट मेरी डल हो गई वॉश होकर उसको अलग रख देना है डिस्कार्ड कर देना है और सेम कलर की जाके फोर्टी टू नंबर शोपर स्टॉप के काउंटर से उठाकर ले आना है बस दिस इज टू सेव टाइम और कुछ नहीं है हमें लाइक मैं आपको रियल एग्जांपल्स दे रहा हूं कि जिससे आप भी टाइम को कैसे सेव करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा जैसे मेरे पास एक ही सन ये आई ग्लास है क्यों चार पांच क्यों नहीं है मुझे कंफ्यूज ना होना पड़े कौन सी ड्रेस पहननी है कौन सा फंक्शन है किसमें क्या लगाना है एक है बस मेरे पास टू पेयर ऑफ शूज हैं जस्ट टू जस्ट टू पेयर ऑफ शूज और टू क्यों है कि अगर एक गंदे हो गए और अच्छे फंक्शन में जाना है तो दूसरे साफ वाले पहन जाओ किसी के घर जाना गंदे शूज के साथ अच्छा नहीं लगता उसमें भी डिजाइन का फर्क नहीं है सिर्फ इस चीज का फर्क है कि दो इसलिए होने चाहिए कि एक गंदे हो गए तो दूसरे पहन लो क्योंकि शूज के गंदे होकर धोने में और सूखने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए या टाइम नहीं हो सो दिस इज हाउ वी नीड टू मैनेज आर टाइम जो लोग घर पर मेड का काम खुद करते हैं अगर आपने उस मेड के काम को खुद नहीं करके उस टाइम को सेव कर लिया और सिर्फ उस टाइम को आपने यूट्यूब देखकर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ली आपकी इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि आप हंड्रेड मेड रख पाओगे आफ्टर टू थ्री इयर्स यहां पर यह पॉइंट नहीं है कि मेड का काम तो मुझे आता है आता तो सब कुछ है आता तो क्या नहीं आता है सब कुछ आता है लेकिन कौन सा काम खुद करना है और कौन सा काम दूसरों से कराना है कौन सा काम जिसमें पर आवर इनकम ज्यादा है वो खुद करो और जिसमें पर आवर खर्चे कम है वो दूसरों से कराओ इसको हमें आउटसोर्स करना हमें सीखना चाहिए कि हमें आउटसोर्स क्या करना है खुद से क्या करना है दिस इज नॉट अबाउट कि मुझे तो ये आता है मैं कर सकता हूं आपको आता है कर सकते हो लेकिन इस टाइम में आप कितना कुछ और कर सकते हो आप वो सोचो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के जो लोग रिच होते हैं ऐसा नहीं है कि उनको बीएमडब्ल्यू चलाने में मजा नहीं आता सबको आता है लेकिन पीछे इसलिए बैठते हैं क्योंकि उस टाइम में वो अपनी कॉल्स निपटा सकते हैं वो अपने आगे के प्लान कर सकते हैं वो अपने व्हाट्सएप के रिप्लाई कर सकते हैं दिस इज अबाउट टू सेव टाइम और जो मेडिटेशन है ना ये मेडिटेशन भी टाइम सेव करने का एक जरिया है मेडिटेशन करने में 20 मिनट्स लगेंगे लेकिन आपका माइंड इतना स्टेबल होगा कि जब आप काम करने बैठोगे ना तो वन आवर का काम आपका फोर्टी मिनट्स में हो जाएगा ये सेव ये टाइम को स्पेंड करने का तरीका नहीं है ये टाइम को सेव करने का तरीका है आप इस बात को समझो अगर हम अपने नाइफ को शार्प ना करें और बिलंट नाइफ को यूज करते रहें, तो शार्प करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना वहां पर एक्स्ट्रा आपको टाइम और एफर्ट डालना पड़ेगा मेडिटेशन इज अबाउट टू शार्पन योर माइंड ये प्रैक्टिकलिटी है ये सब चीजें तो आज की स्ट्रेटजी सिखाने से पहले मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाना वापस से पहले भी मैं बात कर चुका हूं लेकिन रिमाइंड कराना जरूरी था कि अपनी एनर्जी बचाओ उसको एनहेंस करो फिजिकल एनर्जी अपने मेंटल एनर्जी को एनहेंस करो मेडिटेशन से फिजिकल एनर्जी को एनहेंस करो वर्कआउट से और अपना ख्याल रख के और टाइम को आप सेव करो टाइम मैनेजमेंट से क्योंकि किसी भी चीज में सक्सेस के लिए वी नीड टू हैव थ्री थिंग्स टाइम फोकस एंड एनर्जी अगर इनमें से तीनों में से कुछ एक भी गया हम सफल नहीं हो सकते उसमें टाइम बचाने के लिए टाइम मैनेजमेंट फोकस बचाने के लिए मेडिटेशन और एनर्जी बचाने के लिए वर्कआउट एंड हेल्दी फूड ये जरूरी है अदरवाइज नहीं हो सकता ठीक है अब हम स्ट्रेटजी पर चलते हैं इस स्ट्रेटजी को हम किसी भी स्टॉक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इवन आउटसाइड V40, V40 नेक्स्ट एंड V200 टू हंड्रेड इवन आउटसाइड दैट एंड दिस स्ट्रेटजी नेम इज थ्री टाइम्स इन थ्री इयर्स थ्री बाई थ्री थ्री बाई थ्री थ्री टाइम्स इन थ्री इयर्स अगर इस स्ट्रेटजी को समझकर अच्छे से सीख कर आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया दुनिया की कोई ताकत आपको 40% परसेंट से कम पर नहीं रख सकती यू विल मेक मच मोर देन दैट 40%, परसेंट मच मोर देन 40 परसेंट राइट मतलब 40% परसेंट से कम आने का ऑप्शन ही नहीं है अगर इसको समझ के अच्छे से मेहनत करके आपने अप्लाई करना शुरू किया नाउ दे आर टेन पॉइंट हम एग्जाम्पल्स बाद में लेंगे बट फिलहाल सबसे पहले जो कंडीशंस हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं दे आर टेन पॉइंट्स पॉइंट नंबर वन प्लीज नोट इट डाउन द स्टॉक प्राइस शुड कम डाउन

सिक्सटी परसेंट से ज्यादा डाउन होना चाहिए अब क्वेश्चन विवेक भाई ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं क्या हो सकता है कुछ तो हमारे पोर्टफोलियो में ही हो राइट <laughs> right? तो मिलते हैं जब सर्च करते हैं तो बहुत सारे मिलते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ द लाइफ टाइम हाई प्राइस वॉज हंड्रेड रुपीज तो इसका प्राइस सिक्सटी सेवन परसेंट फॉल का मतलब है कि सिक्सटी सेवन रुपीज डाउन आ जाना चाहिए मीन्स थर्टी थ्री या उससे नीचे होना चाहिए इट सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कंडीशन नंबर टू कंडीशन नंबर टू वी मस्ट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द फॉल वी मस्ट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द फॉल हमें नीचे गिरने का रीजन समझ में आना चाहिए हमें नीचे गिरने का रीजन समझ में आना चाहिए अब नीचे गिरने का रीजन कैसे समझ में आएगा जब बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आएगा अदरवाइज नहीं आएगा राइट right? इसमें भी जो नीचे गिरने का रीजन है इट विल बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, इट विल बी डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरी जो नीचे गिरने का रीजन हैं इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे नंबर वन नंबर वन सेल्स इज डाउन नंबर वन सेल्स इज डाउन एंड बिकॉज ऑफ दिस नेट प्रॉफिट इज डाउन एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक प्राइस इज डाउन सो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो राइट दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो के सेल्स कम हुई सेल्स कम होने की वजह से नेट प्रॉफिट कम हुआ और नेट प्रॉफिट कम होने की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आया ये फर्स्ट सिनेरियो है अब सेल्स कब कब होती है जब बिजनेस खराब हो जब बिजनेस अफेक्ट करे जब बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट आए तो बिजनेस नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब क्या है सेल्स बिजनेस बेकार होना मीन सेल्स का कम होना यानी कि बिजनेस बेकार हुआ इस चीज का कैसे पता चलेगा कि सेल्स कम हो गई राइट वो सेल्स कम होने की वजह से नेट प्रॉफिट कम हुआ नेट प्रॉफिट कम होने की वजह से सेंटिमेंट खराब हुए और स्टॉक प्राइस नीचे आ गया सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी एक सिनेरियो तो ये है अब सेकंड सिनेरियो क्या है सिनेरियो नंबर टू द रीजन ऑफ द फॉल का सेकंड सिनेरियो कि हमारा बिजनेस तो ठीक है द बिजनेस इज ओके सेल्स इज ओके प्लीज नोट इट डाउन सेकंड सिनेरियो सेल्स इज ओके एज इट इज नोट डाउन कर लो सेकेंड सिनेरियो में सेल्स इज ओके नेट प्रॉफिट केम डाउन Sales is okay, net profit came down, and because of this sentiments bekar hue and stock price came down. राइट right? तो पहला जो scenario था फर्स्ट scenario में हमने क्या बताया कि बिजनेस खराब हुआ किसी रीजन से एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन कि किस लिए हुआ कि बिजनेस खराब हुआ उसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट बेकार हुआ नेट प्रॉफिट नीचे आया उसकी वजह से हमारा स्टॉक प्राइस नीचे आया राइट सेकंड सिनेरियो में क्या है कि बिजनेस तो ठीक था लेकिन नेट प्रॉफिट कम हुआ जैसे अभी हमने एशियन पेंट की बात की कि रेवेन्यू तो इंक्रीज हुई बिजनेस वॉज ओके लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मेटर में इन्फ्लेशन की वजह से नेट प्रॉफिट कम हो गया पेंट कंपनीज में फिलहाल में ये चीजें हुई तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि सेल्स तो हमारी अच्छी रहे लेकिन नेट प्रॉफिट कम हो जाए और इस नेट प्रॉफिट कम होने की वजह से हमारा सेंटिमेंट खराब हो ही जाते हैं नेट प्रॉफिट जैसे ही कम होगा सेंटिमेंट्स बेकार हो जाएंगे एंड स्टॉक प्राइस कैम ना तो ये सेकंड सिनेरियो था नाउ थर्ड सिनेरियो थर्ड सिनेरियो में सेल्स वाज ओके नेट प्रॉफिट वॉज ओके ओनली स्टॉक प्राइस केम डाउन ओनली स्टॉप प्राइस केम डाउन बिकॉज ऑफ जस्ट सेंटिमेंट्स राइट हम तीनों को अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर समझेंगे तीनों तीन केस स्टडीज हम करेंगे जिसमें तीनों ही एग्जाम्पल तीनों आ, अलग अलग को हम कवर करेंगे हमें हो Now, ये हमने सबसे पहली कंडीशन थी हमारी द स्टॉक प्राइस केम डाउन बाय 67 परसेंट और मोर फ्रॉम द लाइफ टाइम सेकंड कंडीशन थी हमारी वी मस्ट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द फॉल और सेकंड कैटेगरी की ये थ्री सब कैटेगरीज थी है ना सेकेंड कैटेगरी में रीजन ऑफ द फॉल में ये थ्री डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो थे। अब हम मेन थर्ड कैटेगरी में आते हैं मेन थ्री कंडीशन में आते हैं थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो मेन थर्ड पॉइंट है जो फॉल का रीजन था वो आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए द रीजन ऑफ द फॉल शुड नॉट एग्जिस्ट नाउ रीजन ऑफ द फॉल शुड नॉट एग्जिस्ट एनी मोर राइट ये चीज क्लियर हो गई कि जो गिरने का रीजन था वो आज की डेट में नहीं रहना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है क्रूड का प्राइस नीचे आ गया एंड डॉलर का प्राइस भी पहले से नीचे आया है तो यानी कि जो रीजन थे आज की डेट में नहीं है इस तरीके से ठीक है नाउ कंडीशन नंबर फोर देयर शुड बी देयर शुड बी ए प्रूव वन ट्रैक रिकॉर्ड Of good performance in the past, there should be a proven track record of good performance in the past. Past में कंपनी का अच्छी परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि अगर पास्ट में कंपनी ने अच्छा नहीं किया और उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो हम कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते right point number 5 there should be there should be an improvement in latest quarterly results there should be an improvement in latest quarterly results क्योंकि अगर नीचे आया नीचे आने के रीजन्स आए वो रीजन्स खत्म हो गए पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड था लेकिन इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है इंप्रूवमेंट पहले आने देंगे उसके बाद में हम बाय करेंगे राइट पॉइंट नंबर सिक्स देयर शुड बी ए गुड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देयर शुड बी ए गुड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ the प्रोडक्ट और services ऑफ the कंपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ का आने वाले ईयर्स में अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होना चाहिए यानी कि हमारे पास हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से जनरल अंडरस्टैंडिंग से यह पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी जिस चीज को हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आसानी से जज कर सकते हैं हम सबको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट्स हैं हम सबको पता है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी या फिर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ये ग्रो करेगी क्योंकि अभी इंडिया में में उतने लोग इन्वेस्ट नहीं करते जितना करते जितना वेस्टर्न वर्ल्ड हैं या फिर जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं जो बिजली बनाती है इलेक्ट्रिसिटी बनाती है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि अभी तो घर में कूलर्स भी नहीं है लोगों के राइट अभी तो पक्के घर ही नहीं है एसी बहुत बाद की बात है रेफ्रिजरेटर और बहुत सारी चीजें तो इस तरीके से हम आसानी से पता चला सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ेगी और कौन से की कम होगी वैसे इंडिया में एक दो प्रोडक्ट को छोड़कर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसकी डिमांड ना बढ़े सो वी आर ऑन द सेफर साइड क्योंकि इंडिया इंडिया पर कैपिटल इनकम इज ट्वेंटी थ्री हंड्रेड डॉलर और ये टेन थाउजेंड डॉलर तो जानी ही है तो ऑलमोस्ट जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सभी चीजों की डिमांड बढ़ेगी राइट right? तो ये चीजें आसान है समझने। अभी हमारे सिक्स पॉइंट्स हो गए अब ऐसा जरूर हो सकता है कि सिक्स पॉइंट्स जब तक कंप्लीट हो स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ जाए दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि जब तक सिक्स पॉइंट्स कंप्लीट हो स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ जाए ऊपर आने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस आफ्टर मीटिंग दीज सिक्स कंडीशन स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम हाई से फिफ्टी परसेंट डाउन तब भी रहना चाहिए दिस इज पॉइंट नंबर सेवन आफ्टर मीटिंग अबव सिक्स कंडीशंस आफ्टर मीटिंग अबव सिक्स कंडीशंस स्टॉक प्राइस शुड स्टिल बी डाउन बाई मोर देन 50 परसेंट फ्रॉम लाइफ टाइम इन कंडीशंस को मीट करने के बाद भी स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम हाई से 50 परसेंट या ज्यादा डाउन होना चाहिए क्योंकि जो 67 परसेंट फॉल की कंडीशन है वो इन सिक्स कंडीशंस को मीट करने के बाद में नहीं है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक बार उतना डाउन आया हो और जब तक हमारी ये सिक्स कंडीशंस मीट हो टोटल तब तक हो सकता है स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाए लेकिन ऊपर जाने के बावजूद भी लाइफ टाइम हाई से फिफ्टी परसेंट डाउन तब भी रहना चाहिए राइट right? यानी कि जब हमारी ये सारी कंडीशन मीट होंगी दीज सेवन कंडीशंस वी विल बाय सो नेक्स्ट पॉइंट इज वी विल बाय आफ्टर मीटिंग दीज सेवन कंडीशंस थोड़ा सा लेंदी है थोड़ी सी मेहनत है लेकिन रिवॉर्ड मींस सुपर रिच बनाने वाले हैं और अच्छी बात क्या है मींस एक ही स्टॉक में हंड्रेड परसेंट गेन आएंगे सीधे बार बार ट्रेड करने का झगड़ा ही खत्म राइट सो सेवेंथ पॉइंट जब हमारे कंप्लीट हो गए देन वी विल बाय सो हम एट नंबर दे सकते हैं एट पॉइंट इज बाय व्हेन एबव सेवन कंडीशंस आर मेट राइट पॉइंट नंबर नाइन इफ देर इज मोर देन हंड्रेड परसेंट गेन इन फर्स्ट वन ईयर वी विल सेल इफ देर इज हंड्रेड परसेंट गेन विद इन ट्वेल्व मंथस आफ्टर बाइंग वी विल सेल वी विल बुक प्रॉफिट राइट अगर सेवन कंडीशन के पूरा होने के बाद में हम बाय करते हैं और बाइंग पॉइंट से विद इन ट्वेल्व मंथस विद इन ट्वेल्व मंथ्स हमारा हंड्रेड परसेंट गेन आ जाता है देन वी विल बुक प्रॉफिट राइट सिंपल है पॉइंट नंबर टेन इफ देर इज नो हंड्रेड परसेंट गेन विद इन ट्वेल्व मंथ्स इफ देर इज नो हंड्रेड परसेंट गेन विद इन ट्वेल्व मंथ्स

तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे लेकिन टेंथ पॉइंट है अगर हंड्रेड परसेंट गेन नहीं आता है विद इन ट्वेल्व मंथस तब हम इसको लाइफ टाइम हाई तक दीज आर पॉइंट नंबर इलेवन कि विवेक भाई अब क्या बचा अब तो दोनों चीजें तो कर दी हमने पॉइंट नंबर इलेवन अगर हम ब्लेस्ड नहीं हुए तो ये सारे टेन पॉइंट्स बेकार हैं और ब्लेस्ड होना मींस लकी होना ब्लेस्ड होना मींस लकी होना और लकी होना अपने हाथ में है और जो फर्स्ट ट्वेंटी मिनट्स मैंने जो कुछ भी बोला था वो लकी होने के लिए ही बोला था ईश्वर की चेंटिंग मेडिटेशन दूसरों का ख्याल रखना अपने उत्तरदायित्व पूरा करना अपनी बॉडी को हेल्दी रखना और टाइम को मैनेज करना इन चीजों से ही हम लकी होते हैं ये एक्शंस हैं अपनी कुंडली को भाग्यशाली बनाने के लिए भाग्यशाली बनने के लिए आपको किसी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ विवेक सिंघल की बताई हुई बातों को फॉलो करने की जरूरत है वैसे आपको ये सारी बातें पता है लेकिन ये रिमाइंडर है कई बार हम अपनी आदतों से इतने मजबूर होते हैं कि खुद ही जूझ रहे होते हैं अपनी इन आदतों से निकलने के लिए अपने आप को सुधारने के लिए लेकिन निकल नहीं पाते हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि इन चीजों से बचें अपने आप को इम्प्रूव कर लें तो ये अपने एफर्ट्स कम मत करना हार मत जाना ठीक है ना और सौ करोड़ की फिगर याद रखना अगर सौ करोड़ कमाने हैं और चैन की जिंदगी जीना है कि उसके बाद में इट्स ए चॉइस कि हम क्या करें और क्या नहीं करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है सौ करोड़ से कुछ कहने की जरूरत नहीं इवन इफ यू वांट टू मीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री यू आर लिविंग इन एंड यू आर वर्क हंड्रेड करोड़ यू कैन मीट हंड्रेड करोड़ इतना क्योंकि हंड्रेड करोड़ होने के बाद में आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो थाउजेंड करोड़ वाले होते हैं और थाउजेंड करोड़ वाले के फ्रेंड्स टेन थाउजेंड करोड़ वाले होते हैं बस उन्हीं के साथ पहुंच जाओ कभी और क्या राइट right? तो ऐसा ही है सीरियसली मनी हैज दैट मच ऑफ पावर सो नाउ हमने टेन पॉइंट इलेवन पॉइंट नोट डाउन कर लिए अब हम फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं और उसका केस स्टडी लेते हैं जहां पर पहले बिजनेस बेकार हुआ बिजनेस बेकार होने की वजह से नेट प्रॉफिट बेकार हुआ और नेट प्रॉफिट बेकार होने की वजह से स्टॉक प्राइस बेकार तो बिजनेस बेकार होना मीन्स वॉट सेल्स कम होना राइट नेट प्रॉफिट बेकार होने का मतलब क्या है फाइनेंशियल्स बेकार होना और इनकी वजह से सेंटीमेंट बेकार होके स्टॉक प्राइस कम होना मीन्स टेक्निकल बेकार होना दे आर थ्री थिंग्स मैं इसीलिए तीनों चीजें हमेशा कवर करता हूं किसी भी एनालिसिस में बिजनेस फाइनेंशियल एंड स्टॉक प्राइस बिजनेस खराब होना सेल्स का कम होना फाइनेंशियल्स खराब होना नेट प्रोफिट का कम होना और सेंटिमेंट्स का खराब होना मीन्स स्टॉक प्राइस का बेकार होना सो जो फर्स्ट केस स्टडी है इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे मोतीलाल ओसवाल का मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट right? अब जब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या है द स्टॉक प्राइस शुड कम डाउन बाय मोर देन सिक्सटी सेवन परसेंट फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे फकोर्स चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे एंड मोतीलाल होस्पाल फाइनेंशियल सर्विसेस वुट इज द लाइफ टाइम हाई Lifetime high हाई इज दिस 1589. This is the lifetime द हाई और लाइफ टाइम हाई से हम क्या करेंगे 67% परसेंट नीचे आना चाहिए तो 67% परसेंट हमारा कब डाउन आया अगस्त 19, राइट right? अब हमें सेकंड पॉइंट क्या देखना है कि इस बीच में जब ये जनवरी एटीन से और अगस्त नाइनटीन तक नीचे आया इस बीच में फाइनेंशियल में क्या इंपैक्ट था यानी कि बिजनेस कम हुआ क्या रेवेन्यू कम हुई क्या हम स्क्रीनर पर जाएंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज देखेंगे एल स्टेटमेंट में जाएंगे एंड वी कैन सी कि सेल्स इनकी कम हुई थी 18 से 19 के बीच में यू आर गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर है ना जब सेल्स कम हुई इसका मतलब बिजनेस कम हुआ और सेल्स कम होने की वजह से ही नेट प्रॉफिट कम हुआ वो नेचुरल सी बात है और नेट प्रॉफिट कम होने की वजह से स्टॉक प्राइस कम हुआ ये एक जनरल सी बात है अभी तक आपको समझ में आया कि सबसे पहला काम हमारा है 67 परसेंट का फॉल सेकंड काम क्या है हमारा इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि जो सेकंड कंडीशन है रीजन ऑफ द फॉल उसमें थ्री सिनेरियो हैं कि कौन से सिनेरियो में फिट बैठता है इस चीज को आइडेंटिफाई करना तो अगर सेल्स कम हुई इट मीन वो फर्स्ट सिनेरियो है कि बिजनेस कम हुआ नेट प्रॉफिट कम हुआ स्टॉक प्राइस कम अगर यहां पर सेल्स कम नहीं हुई होती तो बिजनेस कम नहीं होता राइट right? यानी कि फर्स्ट में आने के बदले सेकंड सिनेरियो में और अगर यहां पर रेवेन्यू भी अच्छी होती यानी कि सेल्स भी अच्छी होती नेट प्रॉफिट भी अच्छा होता सिर्फ स्टॉक प्राइस नीचे आता तो ये थर्ड सिनेरियो में कवर तो यहां पर सिनेरियो नंबर वन है क्योंकि यहां सेल्स भी कम होती। अब हमें यह समझना है कि इसका बिजनेस क्या है मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस क्या है मोतीलाल ओसवाल के तीन बिजनेस हैं मेन नंबर वन दे आर स्टॉक ब्रोकर राइट नंबर टू दे हैव म्यूचुअल फंड्स. एंड नंबर थ्री दे आर रनिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस आज की डेट में इनका फोर्थ डिवीजन भी है जिसको होम लोन कहते हैं लेकिन 2018 में इनका होम लोन डिवीजन नहीं था जिसको हम मेजर डिवीजन काउंट कर सके सो so इन 2018 थाउजेंड एटीन देर थ्री डिविजन अब समझ पा रहे हो कि हमें कैसे बाइफरकेट करना है कि क्या क्या बिजनेस है क्योंकि जब तक यह चीज समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे हमें रीजन पता नहीं चलेगा बिजनेस क्यों कम हुआ अब 2018 में सेबी का एक रूल आया था और 2018 से पहले जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खासी रैली रेल, आई थी ये वाली इस तरह की सभी में बहुत अच्छी रैली आई थी और वो रैली कब स्टार्ट हुई थी दैट रैली हैड स्टार्टेड जब प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पर स्मॉल कैप में और मिड कैप में अच्छी रैली स्टार्ट हुई थी पोज आया था 2015 के एंड में और 2016 के बिगनिंग में उसके बाद में फिर से रैली रिज्यूम हुई और 2018 तक रैली रही अब जब ये रैली स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार आ रही थी तो म्यूचुअल फंड एक्चुअल में कैटेगरीज में डिवाइडेड है ध्यान से समझना इस बात को आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसी होती हैं जिसमें बड़ी कंपनीज में पैसा लगाते हैं लार्ज कैप फंड्स ब्लू चिप फंड्स जिनको हम लोग कहते हैं कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसी हैं जैसे एच मिड कैप फंड या एक्सिस मिड कैप फंड जो मिड साइज की जो कंपनीज हैं उनमें पैसा लगाते हैं और कुछ फंड कैसे हैं जो स्मॉल कैप फंड है राइट जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड या कैनरा रूबे को स्मॉल कैप फंड या फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड तो यहां पर इनको अलग अलग कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड किया जाता है कि जो इन्वेस्टर है वो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चूज कर सके कि वो किस साइज की कंपनीज में पैसा लगाना चाहता है तो अगर इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं सिर्फ बड़ी कंपनीज में पैसा लगाऊं तो वो ब्लूचिप कंपनी ब्लू चिप फंड को चूज करेगा जो कहते हैं कि मैं मीडियो रिस्क ले सकता हूं जिससे ज्यादा रिटर्न आ सके थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न आ सके वो मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा लगाते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे हाई रिस्क हाई गेन चाहिए वो स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं अब क्योंकि यहां पर लार्ज कैप कंपनीज में रैली बंद हो गई थी और स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही थी तो म्यूचुअल फंड्स ने क्या स्टार्ट किया 2017 में स्पेशली कि अपने लार्ज कैप फंड वाली स्कीम्स में भी स्मॉल कैप को और मिड कैप को परचेज करना शुरू कर दिया जिससे उनके फंड की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए आप समझ पा रहे हो इस बात को कि जो ब्लू चिप फंड है ब्लू चिप स्कीम है उसमें भी छोटी कंपनीज में पैसा लगाना शुरू कर दिया उस पैसे को भी और मिड कैप में लगाना शुरू कर दिया जिससे उनमें अच्छी रैली आए और उस अच्छी रैली का रिजल्ट क्या निकले कि फंड की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाए अब जब सेबी ने इस बात को नोटिस किया तो उसने पाया कि ये इन्वेस्टर्स के साथ प्राइम ऑफ एसी चीटिंग है क्योंकि इन्वेस्टर लार्ज कैप में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है कि म्यूचुअल इन्वेस्टर तो के साथ सेबी ने सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दी कि जितना भी आपने पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाया हुआ है लार्ज कैप स्कीम्स का वो सारा का सारा सेल करो उनसे एग्जिट करो अब आप सोच कर देखो जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्मॉल कैप और मिड कैप को सेल करेगी तो मार्केट में रिजल्ट क्या निकलेगा स्मॉल कैप और मिड कैप गिरना शुरू हो गया राइट स्मॉल कैप और मिड कैप गिरना शुरू हो गया ये जनवरी की बात है और फेबर में हमारा बजट आना था और उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी राइट अरुण जेटली जी ने पता नहीं क्या सोचा कि ये लोग थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाते और टैक्स नहीं देते शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया जाए टेन परसेंट से फिफ्टीन परसेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले जीरो था इसको इंक्रीज करके किया जाए टेन परसेंट जो पहले जीरो था यानी कि पहले ही मिड कैप और स्मॉल कैप में सेल ऑफ शुरू हो चुका था गिरावट शुरू हो चुकी थी इस अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ हर कोई जो प्रॉफिट में बैठे थे उन आज तक का प्रॉफिट आपका टैक्सेबल नहीं होगा इससे ऊपर का ही टैक्सेबल होगा लेकिन इनकम टैक्स के झगड़े में फंसे कौन वैसे भी गिरावट शुरू हो गई है वैसे भी रैली खत्म हो गई है तो जब ये रूल्स आए इनमें और ज्यादा गिरावट आनी शुरू हो गई और जब किसी चीज में गिरावट आनी शुरू होती है और वो थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा हो वैल्यूएशन के हिसाब से भी रैली के हिसाब से भी उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो गिरावट जल्दी से रुकती नहीं है राइट right. तो इस बात का विवेक भाई इससे क्या लिंक है मोतीलाल ओसवाल से अब मोतीलाल ओसवाल से ये लिंक है कि मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस स्टॉक मार्केट से लिंक है अब स्टॉक ब्रोकर कैसे पैसा कमाता है स्टॉक ब्रोकर पैसा कमाता है कि जितना ज्यादा फंड होगा क्लाइंट्स का उतना ज्यादा उनके पास कमीशन आएगी फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मोतीलाल ओसवाल अपने कस्टमर से पूरे साल में ऑन एन एवरेज वन परसेंट कमीशन कमाता है राइट एंड ऑन एन एवरेज अगर कस्टमर का पोर्टफोलियो साइज टेन लेख का है सो वन परसेंट इज टेन थाउजेंड रुपीज राइट right? लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आने की वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप के नीचे आने की वजह से वो टेन लाख रुपीज सेवन लाख रह गए राइट right? तो अब कमीशन कितनी अमाउंट के ऊपर आएगी सेवन लाख के ऊपर यानी कि वन परसेंट कमीशन सेवन लाख पर कितनी होगी सेवन थाउजेंड यानी कि रेवेन्यू कम हो गई यानी कि सेल्स कंपनी की कम हो गई राइट सेम चीज म्यूचुअल फंड बिजनेस में है म्यूचुअल फंड बिजनेस में कैसे इनकम आती है एन एवरेज म्यूचुअल फंड कंपनी आर as the management fees on the NAV net present value net asset value right तो अगर टेन लाख रुपीज मान लो कोई स्कीम है जिसमें उनके पास वन थाउजेंड करोड़ रुपीज का फंड है और वन थाउजेंड करोड़ रुपीज के फंड के ऊपर दे आर चार्जिंग 1 परसेंट और वो फंड अपना मिड कैप और स्मॉल कैप का है तो और वो क्योंकि एन कम हो गई तो फंड की वैल्यू कितनी हो गई सिर्फ फॉर एग्जाम्पल थर्टी परसेंट फोल आया 700 हो गए. तो पहले वन थाउसेंड के ऊपर सेवन करोड़ रूपीज यहां भी रेवेन्यू कम हो गए अब थर्ड इनका वर्टिकल क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में भी इनकी तीन स्कीम है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर सेम इंपैक्ट हुआ जो ये टू एंड हाफ परसेंट मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं पीएमएस के ऊपर वो सीधा सीधा रेवेन्यू इसी तरीके से कम हो गया आप समझ पा रहे हो इस बात को अब एक चीज समझो जब यहां पर रेवेन्यू इनका कम हुआ तो नेट प्रॉफिट कितना कम होगा परसेंटेज वाइज जितना रेवेन्यू कम हुआ परसेंटेज वाइज नेट प्रॉफिट उससे बहुत ज्यादा कम होगा क्यों क्योंकि जितनी सेल्स कम हुई सेल्स कम होने से क्या खर्चे कम हुए नो no. क्या उन्होंने किसी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला नो no. क्या उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करना बंद कर दिया नो no. क्या उन्होंने कॉफी पिलाना बंद कर दिया क्या उनके कैब के चार्जेस कम हो गए क्या ऑफिस के बिल्डिंग के रेंटल चार्जेस कम हो गए नथिंग कुछ भी कम नहीं हुआ और अगर इस बीच में अप्रेजल आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि जीरो परसेंट अप्रेजल करेंगे एम्प्लॉय का ऐसा तो है नहीं टेन परसेंट भी करेंगे फिफ्टीन परसेंट भी करेंगे और नौकरी से छोड़ करना चले जाएं दूसरी कंपनी में तो ट्वेंटी परसेंट भी करेंगे अगर कोई एम्प्लॉ यहां पर कैलिबर uh, रखता होगा तो खर्चे बढ़े इवन राइट right? कम तो हुए ही नहीं और रेवेन्यू कम हो गई यानी कि जितने अमाउंट से रेवेन्यू कम हुई नेट प्रॉफिट सेम अमाउंट से कम हो गया ये इतना सिंपल है समझना तो अगर हम यहां पर देखें तो सेम चीज आपको नजर भी आए कितने करोड़ से यहां पर सेल्स कम हुई 300 करोड़ से कैन यू सी दिस 2751 करोड़ से 2450 करोड़ हो गई 300 करोड़ से यहां पर कम हो गई और 300 करोड़ से ही हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया सेम रेट बिल्कुल सेम अमाउंट से अब जब नेट प्रॉफिट कम हो गया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा इतना कम हो गया स्टॉक प्राइस विल कम डाउन स्टॉक प्राइस नीचे आ गया आप समझ पाए इस पूरे सिनेरियो को सो so, नीचे गिरने के रीजंस क्या थे नीचे गिरने के रीजंस थे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से टैक्स रेट बढ़ना एंड सेबी की तरफ से यह डिसीजन आना कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम से स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को बेचा जाए दिस वाज़ द मेन रीजन ऑफ द फॉल राइट वट इज दर्ड कंडीशन की आज की डेट में वो रीजन नहीं होना चाहिए अब जब ये फॉल आ गया वन एंड हाफ ईयर निकल गया यह सारा इम्पैक्ट जिसने जितना सेल करना था सारा सेल कर चुके तो क्या अब यह रीजन बचा है नो no, रीजन इज ओवर क्योंकि रीजन परमानेंट नहीं था भाई जिसने सेल करना था उसने सेल कर दिया सेबी के कहने से जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल करना था वो सेल कर दिया जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना था टैक्स की वजह से उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया इंपैक्ट खत्म हो गया यानी कि उसके बाद ये रीजन नहीं है तो हमारी थर्ड कंडीशन भी पूरी हो गई फोर्थ कंडीशन द फोर्थ कंडीशन इज इसकी पास्ट में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए राइट right? तो हम इस चीज को देख लेते हैं एक बार कि कंपनी ने इससे पहले प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था क्या हमारे सामने है सेवेंटी वनो फोर 467 थ्री फोर सिक्सटी सेवन ये तीनों सेम थे लेकिन फोर सिक्सटी सेवन से सेवन 1080, टू वन जीरो एट जीरो ट्वेंटी सेवन फिफ्टी वन यानी कि फोर ईयर फाइव ईयर्स का अच्छी ग्रोथ का प्रूव ट्रैक रिकॉर्ड है और सिर्फ और सिर्फ सेल्स में नहीं नेट प्रॉफिट में भी है 42 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 145, 172, 371 एंड 632 राइट सो इट हैज ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ये चीज क्लियर हो गई इज़ द नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए दैट इज द फिफ्थ पॉइंट राइट लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए तो इस टाइम को कोरिलेट किसने किया 2019 के टाइम को कोरिलेट किया पेंडेमिक ने और पेंडेमिक में बहुत बड़ी गिरावट फिर से आ गई अब जब तक इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पेंडेमिक के बाद जब हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो हमारी इंप्रूवमेंट जो माइनस था मार्च 2020 में जो हमारा माइनस था 227 करोड़ का 254 करोड़ का उसके बाद इंप्रूवमेंट नजर आई जून 2020 में राइट right? जून 2020 में इंप्रूवमेंट नजर आई एंड सितंबर 2020 में 300 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट था राइट right? सितंबर 2020 में एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट कितना था 300 करोड़ और इससे पहले पूरे साल का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कितना था 600 करोड़ आप समझ पा रहे हो 2020 से पहले पूरे साल का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कितना था 600 करोड़ अब इस बात को ध्यान से समझो आप पहले पूरे साल का 600 था अभी एक क्वार्टर का 300 आया है यानी कि अगर एक क्वार्टर का 300 के बेस पर फोर क्वार्टर का हम कैलकुलेट करने लगे फोर टाइम्स कर ले तो ट्वेल्व करोड़ का नेट प्रॉफिट बैठता है पूरे साल का। जो पिछले से डबल है इज इट नॉट ए ग्रेट इंप्रूवमेंट इन लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देर इज नो डाउट अबाउट इट राइट जब नेट प्रॉफिट पिछले प्रॉफिट से डबल हो गए तो हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो गई ना वट इज द कंडीशन नंबर सिक्स राइट कंडीशन नंबर सिक्स इज कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होना चाहिए हम सबको पता है इंडिया में कितने लोग कॉर्पोरेट जॉब में हैं, उसमें से कितने वो इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ता जाना है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जाना है उसकी वजह से इनकम बढ़ती जाएगी ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ते जाएंगे लोगों को समझ आती जाएगी अवेयरनेस आती जाएगी मैं भी वीडियो बनाता जाऊंगा अवेयरनेस के लिए राइट ठीक है तो यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उसमें कोई डाउट नहीं है दैट दिस बिजनेस हैज ग्रेट फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ठीक है तो हमारा यह पॉइंट भी पूरा हो गया अब ये सारी कंडीशन हमारी कब पूरी हुई ये सारी कंडीशन हमारी पूरी हुई जब हमने सेप्टेंबर 2020 के रिजल्ट्स देखे 300 करोड़ के राइट right? और ये रिजल्ट्स कब आए इसकी पीडीएफ ओपन करके देख लेते हैं इसके हमारे रिजल्ट्स आए अक्टूबर थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी हमारे रिजल्ट आए अक्टूबर थर्टीएड 2020 अब अक्टूबर को जब हमारी ये सारी कंडीशन पूरी हुई तब हम शेयर प्राइस देखते हैं क्योंकि सेवेंथ कंडीशन क्या है कि हमारा स्टॉक प्राइस उस टाइम पर भी लाइफ टाइम हाई से 50 परसेंट नीचे होना चाहिए दिस इज द कंडीशन सो अक्टूबर थर्टीएथ क्या प्राइस था द प्राइस वॉज फाइव हंड्रेड सिक्सटी तो अगर हम इस प्राइस पर देखें कि लाइफ टाइम हाई से ये फिफ्टी परसेंट डाउन था क्या यस दिस वॉज सिक्सटी फोर परसेंट डाउन तो हमारी सेवंथ कंडीशन भी पूरी हो गई वॉट इज द नेक्स्ट पॉइंट बाय राइट वॉट इज द नेक्स्ट पॉइंट इस प्राइस पर हम इसको बाय कर लें ज द नेक्स्ट पॉइंट नाइन्थ पॉइंट अगर फर्स्ट वन ईयर में ट्वेल्व मंथस में हंड्रेड परसेंट गेन आए तो एग्जिट कर लो राइट right? तो हम यहां पर चेक करके देखते हैं कि हमारा हंड्रेड परसेंट गेन आया क्या टू हंड्रेड सिक्सटी टू डेज में हमारा हंड्रेड परसेंट गेन आ गया टू हंड्रेड सिक्सटी टू डेज में हमारा हंड्रेड परसेंट गेन आ गया अब हमें टेंथ कंडीशन की जरूरत नहीं है लेकिन इलेवेंथ कंडीशन की जरूरत है अब 262 डेज में 100% परसेंट मनी और किस बेस पर स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस के बेस पर ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी। अब अगेन पॉइंट यही आता है कि विवेक भाई सीरियसली आपको तब पता था कि इतने गेम्स आएंगे जब ये चला नहीं था और उस टाइम पर था course, आ सकता है ये भी तो हो सकता है विवेक भाई आपने पॉइंट्स बनाए सेल्फ स्टडी की और उस टाइम पर ऐसे करके बता दिया आज की डेट में हम हमारे सामने रख दिया कि देखो जी ऐसे ऐसे हुआ था तो YouTube मुझे बहुत हेल्प करता है इस चीज में सीरियसली बहुत हेल्प करता है हम यहां पर YouTube पर जाते हैं और सर्च करते हैं मोतीलाल मोतीलाला नहीं मोतीलाल ओसवाल विवेक सिंह बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन 2021 थाउजेंड ट्वेंटी इफ आई टोल्ड यू आई कैन गिव यू इन आप ये देखो सिक्स थर्टी सेवन वॉज द प्राइस राइट एंड व्हाट वाज द डेट डेट आपको नीचे नजर आएगी अप्रैल 30th 2021 जब ये वीडियो बनाई थी 30th अप्रैल 21 637 वाज द प्राइस अप्रैल 30th ये डेट थी यहां पर यानी कि बहुत ज्यादा नहीं चला था इतना सारा टाइम स्पेंड कर दिया था आप समझो यहां पर ही वो वीडियो बन गई थी सारी यही कंडीशन थी सब कुछ यही था एज इट इज और अगर आप वीडियो देखोगे ना आई हैड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग अबाउट बिजनेस एंड द रीजन ऑफ द फॉल एंड द रिकवरी लेकिन सब पता उस टाइम पर क्या कह रहे थे विवेक भाई इतनी अच्छी कंपनी थी तो गिरी क्यों और पता मैं क्या कह रहा था अगर गिरती नहीं तो मुझे इतने सारे पैसे कमाने का मौका कैसे मिलता तो पॉइंट क्या था पॉइंट था नेगेटिव होने का या पॉजिटिव होने का पॉजिटिव पीपल विल फाइंड आउट द पॉजिटिव रीजन कि यस yes, ऐसे होगा एंड नेगेटिव पीपल विल फाइंड आउट द रीजन कि और नीचे जाएगा ये कंपनी खत्म हो जाएगी एंड रामदेव अग्रवाल जी और मोतीलाल ओसवाल जी हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे इसीलिए पॉजिटिव होना हमारे लिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कुछ लोग पता है क्या कहते हैं विवेक भाई जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होना फुलिशनेस भी होता है हाँ सही कह रहे हो होता है लेकिन अगर हम स्टेप्स के साथ करें अगर एक टेंथ स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट अगर पॉजिटिव ना हो कि मैं पास हो जाऊंगा या सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट नाइनटी परसेंट मार्क्स आ जाएंगे तो फिर तो बच्चा पढ़ना ही बंद कर दे और अगर वो पॉजिटिव है नाइनटी परसेंट मार्क्स लेकर आएंगे और नाइनटी परसेंट लाने के लिए जितनी स्टडी की जरूरत है उतनी स्टडी करे तो इसको फुलिशनेस कहेंगे या पॉजिटिव होने के साथ मेहनत करके आगे बढ़ना कहेंगे तो नेगेटिव पीपल पॉजिटिव होने पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप ध्यान रखना इस बात को यहां अपनी पॉजिटिविटी मत कर देना कि वो लोग हमें फूल बता रहे हैं फुलिश बता रहे हैं कि ज्यादा पॉजिटिव होना अच्छा नहीं होता ज्यादा पॉजिटिव होना बिना प्रिपरेशन के अच्छा नहीं होता ज्यादा पॉजिटिव होना प्रिपरेशन के साथ हमेशा अच्छा होता है तैयारी करें ना उस चीज की स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के साथ वरना तो कोई किसी कंपनी में सीईओ ही ना बने कोई मेहनत ही ना करे कोई स्किल्स इंप्रूव ही ना करे फिर तो कुछ हो ही नहीं फिर तो मम्मी बच्चों को मम्मी अपने बच्चों को खाना देना बंद कर दे कि पता नहीं बड़े होके नालायक लात मारेंगे या मुझे खाना खिलाएंगे मेरा ख्याल रखेंगे अगर पॉजिटिव ना हो दुनिया तो कह देगी कि, कि जी ज्यादा पॉजिटिव होना अच्छा नहीं होता बेवकूफी होती है तुमने देखा नहीं उसके बच्चे ने छोड़कर चला गया उसका ख्याल नहीं रखा ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग पॉजिटिविटी पे कुछ भी बोलेंगे हमें तैयारी करनी है दिस इज आर प्रिपरेशन आप समझ पा रहे हो मेरी बात को अब हम सेकंड सिनेरियो लेंगे सेकंड सिनेरियो लेने से पहले विल टेक ए ब्रेक ऑफ सेवन एट मिनट्स थोड़ा सा माइंड सेटल डाउन भी हो जाएगा ठीक है और नाइन नाइनटीन हुए हैं सो नाइन ट्वेंटी एट के आसपास मिलते हैं सेवन एट मिनट्स में मिलते हैं ठीक है नाइन थर्टी शार्प आई विल स्टार्ट इलेवन मिनट्स ठीक है सो नेक्स्ट सिनेरियो के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जेपी पावर का राइट जेपी पावर आपको अगर याद हो तो जेपी पावर बहुत सस्ते प्राइस पर लिए थे बहुत ऊपर तक गया था और जेपी पावर की वीडियो में मैंने रिलायंस पावर का जिक्र किया था रिलायंस पावर की वीडियो अलग से नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर रिलायंस पावर की वीडियो अलग से बना दी तो लोग बहुत ट्रोल करेंगे और रिलायंस पावर का प्राइस उस टाइम पर फोर रुपीज था जस्ट फोर रुपीज और जेपी पावर का प्राइस तब टू पॉइंट थ्री फाइव था और मैंने ट्वीट भी किया था टू पॉइंट थ्री फाइव उस टाइम पर तो अब सबको लगता था विवेक भाई जेपी पावर में लोगों को फंसवाएंगे जबकि मैं ट्रेड कर रहा था एक सोचे समझे तरीके से अपने स्टेप्स के बेस पर एंड फॉर हंड्रेड परसेंट गे लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर, ही अच्छा था, तो इतना, right, अगर इतना ही अच्छा था तो इतना गिरा क्यों राइट अगर इतना ही अच्छा था तो इतना क्यों तो लोगों को जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है उनको ऐसा लगता है इफ द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप देन कंपनी इज गुड इफ द स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन द कंपनी इज बैड सबको ऐसा लगता है जबकि रियलिटी का इस बात से कोई लेना देना नहीं ठीक है तो ध्यान से समझते हैं अगेन फॉर ए गुड लर्निंग हम यहां पर जाते हैं जेपी पावर में अब अगर जेपी पावर की बात करने लगे सो व्हाट वाज़ द लाइफ टाइम हाई लाइफ टाइम हाई था 84.20 और ये कहां तक गया ये गया थर्टी फाइव पैसा तक थर्टी फाइव पैसा आप समझ पा रहे हो क्या हाल हुआ यानी कि अगर किसी ने एटी फोर थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट किए तो उसके एटी फोर थाउजेंड रुपीज के थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज रहे यानी कि सब खत्म और हम उस कंपनी में हंड्रेड परसेंट पैसा बनाने की बात कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में अपने रूल्स पर चलेंगे ना तो ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बेकार है सिस्टम्स के हिसाब से चीजें अच्छी हैं और सिस्टम्स के हिसाब से चीजें बेकार है क्योंकि जो लोग रद्दी खरीदने आते हैं ना यानी कि हमारे न्यूज आउटडेटेड न्यूज को खरीदने आते हैं वो उसमें फिफ्टी परसेंट पैसा कमाते हैं आपको पता है हमसे सेवन एट रुपीज पर केजी लेकर जाते हैं या फोर रुपीज पर केजी लेकर जाते हैं और आगे सिक्स रुपीज पर केजी सेल करते हैं दे आर मेकिंग फिफ्टी परसेंट और कहने को वो क्या चीज है यूजलेस थिंग जिसको सिर्फ रिसाइकिल किया जा सकता है बट समय ट्रेडिंग विद विजन विद विजडम इंटेलिजेंसी के साथ में ही इज मेकिंग गुड मनी राइट सो यहां फर्स्ट कंडीशन इफ द स्टोक प्राइस इज डाउन बाय सिक्सटी सेवन परसेंट ये दिस स्टोक प्राइस इज डाउन बाई नाइंटी नाइन पॉइंट फाइव एट परसेंट 99.58 परसेंट तो पहली कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई अब दूसरी कंडीशन को हम देखते हैं कि जेपी पावर पी एंड एल स्टेटमेंट में जब जाते हैं तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो रेवेन्यू नहीं है रेवेन्यू वाज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग टिल 2018 और 2018 में भी स्टॉक प्राइस वॉज डाउन बाय ऑलमोस्ट 98 परसेंट राइट 98 परसेंट नाइनटी परसेंट उस टाइम पर भी तो 97 परसेंट डाउन हुआ 2018 तक एंड 2018 तक जो रेवेन्यू है जो सेल्स है दैट वाज इंक्रीजिंग एवरी ईयर इट मीन्स वॉट बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है इफ द सेल्स इज इंक्रीजिंग एवरी इयर एंड स्टॉक प्राइस इज डाउन बाई नाइंटी एट परसेंट नाइनटी सेवन परसेंट तो सेल्स में तो प्रॉब्लम नहीं है सेल्स में प्रॉब्लम नहीं है मीन्स बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम कहां है प्रॉब्लम थी नेट प्रॉफिटेबिलिटी में क्योंकि जो नेट प्रॉफिट फोर हंड्रेड करोड़ का था वो नेगेटिव होते होते 1690 करोड़ का रह गया नेगेटिव में यानी कि लॉस में कन्वर्ट हो गया 1690 करोड़ का जो एक बार को नेट प्रॉफिट था अब प्रॉफिट से प्रॉफिट कम हुआ और कम हुआ फिर थोड़ा सा ज्यादा हुआ लेकिन फिर नेगेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया एंड ह्यूज नेगेटिव हो गया वेयर एज आप ध्यान से समझना जो ऑपरेटिंग था ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही था, 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 तो था, था, था। देर वॉज नो प्रॉब्लम विथ द बिजनेस आप समझ पा रहे हो मेरे बात को जो ऑपरेटिंग है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है यानी कि ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो लॉस क्यों हुआ लॉस हुआ जरूरत से ज्यादा बढ़ते हुए इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से कि एक टाइम ऐसा आ गया टू थाउजेंड सेवेंटीन में कि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट हो गए आप समझ पा रहे हो इस बात को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई अगर आज की डेट में अगर आप इस चीज को देखोगे तो वोडाफोन आइडिया का सेम सीन है जो मैंने वीडियो में बताया भी था कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट की कॉस्टिंग है ये सेम सिनेरियो है अब जब ये कॉस्टिंग हो गई तो मेन रीजन क्या है आप मेन रीजन समझ में आया फॉल का मेन रीजन है इंटरेस्ट कोस्ट जरूरत से ज्यादा होना इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों ज्यादा होगी क्योंकि बोरोइंग का जरूरत से ज्यादा इंक्रीज होना बोरोइंग का जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाना ये इसका मेन रीजन था अब जब बोरोइंग जरूरत से ज्यादा इंक्रीज होगी यानी कि अपना पैसा कितना है सेवन थाउजेंड करोड़ राइट right? मार्च 2015 में अपना पैसा कितना है सिक्स थाउजेंड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व शेयर होल्डर्स का पैसा है जो हमने सीखा था और बोरोइंग कितनी है थर्टी टू थाउजेंड यानी कि फाइव टाइम्स अपने फंड के कंपैरिजन में फाइव टाइम्स तो आपको रीजन समझ में आया बिजनेस वॉज नॉट द रीजन रीजन वॉज द फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट कम हुआ और नेट प्रॉफिट को कम करने के पीछे मेन रीजन क्या है इंटरेस्ट का जरूरत से ज्यादा बढ़ना क्योंकि बोरोइंग जरूरत से ज्यादा हो गए अब इस चीज को समझा कैसे जाए कि ऐसा हुआ क्यों ऐसा क्यों हुआ ऐसा हुआ आपको पता है मुकेश अंबानी एंड पार्टी ये कांग्रेस मुकेश अंबानी मीनस अंबानी परिवार कब स्टार्ट हुआ था ये परिवार स्टार्ट हुआ था कांग्रेस के टाइम हम सबको पता है कांग्रेस के टाइम पर स्टार्ट तो जितने भी सारे नेक्सस थे वो सारे कांग्रेस के थे आज भी वो कांग्रेस के ही हैं बट क्योंकि एक लेवल से जब इंसान ऊपर उठ जाता है तो फिर जो मर्जी पार्टी हो सब काम चल जाता है लेकिन जो रूट है वो कांग्रेस की ही है कांग्रेस के साथ नेक्सस की है टू में बीजेपी आई और ये अनिल अंबानी की कंपनी है मीनस जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सी तो थो प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कांग्रेस के आने से अदानी भाई को हो सकती है राइट कहीं ना कहीं फेवर तो नहीं मिलेगा कांग्रेस से फेवर तो नहीं मिलेगा सीधा सीधा फेवर लेने के लिए बाकी बहुत सारी पार्टीज़ हैं लेकिन यह पावर प्लांट बिजनेस है 2014 में एक अभियान सा चला था अगर आप सबको याद हो कि पूरे हिंदुस्तान को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से मुक्त कराएंगे हर गांव में बिजली होनी चाहिए एवरी विलेज में बिजली होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए ये एक मिशन स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पर काफी बड़े स्केल पर जो पावर प्लांट लगाने की परमिशंस दी गई थी यानी कि प्रोजेक्ट्स अलॉट किए गए थे और उस टाइम पर सारी ही कंपनीज एक मुहिम में थी एक रेस में थी वो रेस क्या थी वो रेस ये थी कि अभी प्रोजेक्ट्स ले लो क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं पैसे का अरेंजमेंट कर लेंगे कहीं से भी और आगे चल के देखेंगे पूरा कैसे होगा ऑफकोर्स देवर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि अच्छे से कर पाएंगे लेकिन ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं पावर प्रोजेक्ट्स की जो और ये फोसिल फ्यूल वाले पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनकी प्रॉब्लम है कोल कोयला और कोयले को प्रोड्यूस करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट से क्लियरेंस लेना क्योंकि जंगल काटने पड़ते हैं तब माइन से यहां से कोयला निकाला जाता है और कोयले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसका ऑप्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो यानी कि इस पावर प्लांट के जितने भी पावर प्लांट है इनका जो रॉ मेटेरियल की सप्लाई है इसका कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और पावर प्लांट है पावर प्लांट के लगाने में क्या होता है कि बड़ी कैपिटल चाहिए राइट और बड़ी कैपिटल के साथ क्या चाहिए कोई सर्विस सेक्टर तो है नहीं कि ऑफिस किराए पर लिया और वहां पर एम्प्लॉय को हायर किया और काम करना शुरू कर दिया पावर प्लांट के लगाना शुरू करने से पहले लैंड एक्वायर करने से लेकर वहां पर पावर प्लांट लगाने तक और उसके बाद में प्रोडक्शन तक दो तीन मीन्स टू थ्री फोर इयर्स का टाइम तो लगता है दीज आर बिग साइज पावर प्लांट्स ऐसा तो नहीं है कि टू मंथ्स में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो अगर प्रोजेक्शन यहां पर यह की गई कि हम लोन लेंगे आप ध्यान से समझना कि लोन लेंगे लोन लेकर विद इन थ्री इयर्स हमारा पावर प्लांट तैयार हो जाएगा और यह पावर प्लांट हमारा इतनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा और उससे जो सेल्स आएगी उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे हम लोन को ऐसे ऐसे करके रिपे कर देंगे ऑफ कोर्स इस तरह के बजट्स बने होंगे देर इज नो डाउट अबाउट इट किस तरह के बजट्स बने होंगे लेकिन जो कोल की अलॉटमेंट थी जो कोयले की अलॉटमेंट थी उस अलॉटमेंट में स्कैम हुआ था जिसको कोलगेट कहते थे जो कोल का सबसे बड़ा स्कैम था और दूसरा सबसे बड़ा स्कैम क्या था टेलीकॉम का जब थ्री जी और टू जी अलॉटमेंट का स्कैम था अब कोल का जो स्कैम निकल कर आया इसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की इसने कोल की सप्लाई रोक दी इन कंपनीज के लिए क्योंकि इन कंपनीज को जो कोल माइन्स अलॉट हुई थी जिसके बेस पर ये पावर प्लांट लगा रहे थे कि अपनी कोल माइन से कोयला प्रोड्यूस करेंगे उसको यूज करेंगे और आगे काम करेंगे अब जब ये कोल माइंस ही इनकी कैंसिल कर दी गई और कोयला इनको मिला नहीं तो उसका रिजल्ट क्या निकला इनका पावर प्लांट का प्रोडक्शन डिले हो गया राइट? और इनका कंप्लीशन डिले हो गया अब एक बात समझ के देखो हमने कोई पावर प्लांट लगाना शुरू किया ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पर है हमने फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज स्पेंड किए राइट right? अब इंटरेस्ट तो जाना शुरू हो गया ना ऐसा तो नहीं है बैंक ये बोलेगा आप हमें इंटरेस्ट मत देना बैंक को इंटरेस्ट चाहिए जितना पैसा हम लेते जाएंगे लोन पर उतने पर इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा और जबकि इनकम शुरू नहीं हुई रेवेन्यू शुरू नहीं हुई और बिकॉज ऑफ दिस कॉल स्कैम ये सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो टू ईयर्स डिले हो गए अब ये टू ईयर्स डिले होने का रिजल्ट क्या निकला कि पूरी अमाउंट पर हम इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा नहीं आ रहा है आप समझ पा रहे हो इस बात को कि पूरी पेमेंट तो की लेकिन पूरी पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं आया उसका रिजल्ट क्या निकला और लोन लिया इंटरेस्ट पे करने के लिए अब इंटरेस्ट की अमाउंट और बढ़ गई ईएमआई और बढ़ गई और रेवेन्यू आई नहीं और जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है ना बाकी सप्लायर से सस्ता पैसा लेने का वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि पहले जब हमारे पास पैसा होता है हम क्या बोलते हैं एडवांस में पैसा लो प्राइस कम करो और हमें सप्लाई दो और जब हमारे पास पैसा नहीं होता हम क्या कहते हैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दो लेकिन पेमेंट टू मंथस के बाद होगी तो वहां जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी डाउन होना शुरू हो जाता है एग्जिस्टिंग सेल्स के ऊपर आप समझ पा रहे हो इन सारी बातों को तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2779 करोड़ रुपीस था वो भी इस पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से लॉस मेकिंग होने की वजह से ये भी कम होना शुरू हो गया जबकि हमारी सेल्स बढ़ गई 4000 करोड़ से 4800 करोड़ लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो कम हो गया इसी वजह से और इसके कम होने की वजह से क्या हुआ और लोन लेना पड़ा क्योंकि लॉस मेकिंग हो गए और और लेने लोन लेने लोन की वजह से हम डीप ट्रबल में एंटर करते चले अब अगर हमें ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि पावर प्लांट्स हैं यहां कोयला यूज होता है यहां कोल में स्कैम हुआ था इनको कोल की माइंस अलर्ट हुई थी जिसमें डिले हुआ इसकी वजह से इनकी इंटरेस्ट कोर्स बढ़ गई तो हम आगे बढ़ पाएंगे क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को

टू नो अबाउट द रीजन ऑफ द फॉल नज थर्डीशन आज की डेट में, ये रीजन में नहीं होना चाहिए राइट right? तो हम यहां पर ये देखते कि रीजन कब खत्म थी थर्टी टू थाउजेंड करोड़ की वो कम हो गई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ की क्यों क्योंकि जो एसेट्स इनके पास थी ट्वेंटी फोर थाउजेंड करोड़ प्लस ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ थर्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ इस एसेट में से इन्होंने कुछ सेल किया एसेट्स इनकी थर्टी वन थाउजेंड करोड़ हो गई ट्वेंटी थ्री प्लस एट थर्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ से लेस होकर थर्टी वन रह गई फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज कम हुए उससे इन्होंने लोन रिपे किया राइट right? नजर आ रहा है साफ साफ उसके बाद में इनकी एसेट्स और कम हो गई या सेम भी रही तो इन्होंने लोन किसी तरीके से वन थाउजेंड करोड़ का और रिपे कर दिया उसके बाद में ये सेम रहा सेम रहा, रहा सिचुएशन बेकार हो गई फाइनली इन्होंने क्या किया अपना 15000 करोड़ रुपीस का एसेट सेल किया और 15000 करोड़ रुपीस का इन्होंने लोन रिपे और ये किस सिचुएशन में आ गए कि इस टाइम पर जो अपना पैसा था दैट वाज 10000 करोड़ और जो बोरोइंग थी दैट वाज ओनली 6000 करोड़ यानी कि अपना पैसा ज्यादा हो गया बोरोइंग कम हो गई आप समझ पा रहे हो इस बात तो यानी कि जो मेन रीजन था हाई डेट क्टी रेशियो का वो खत्म हो गया और लोन के अमाउंट सिर्फ फाइव थाउजेंड करोड़ रह गए यानी कि वो रीजन जो था वो एग्जिस्टेंस में नहीं है राइट पॉइंट नंबर फोर की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है क्या ऑफ कोर्स है उन्होंने अच्छा लगातार ग्रो किया जिस टाइम पर इंटरेस्ट की कोस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पर देवर ग्रोइंग कंसिस्टेंटली

दिस लॉस मेकिंग कंपनी जब हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं टर्न इन टू ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड बेस्ड ऑन वॉट जस्ट वन थिंग कि उस टाइम पर इन्होंने अपनी जो बोरोइंग है उसको ड्रेस्टिकली कम कर दिया और जैसे ही बोरोइंग कम की आप यहां पर देख पाओगे क्वार्टरली रिजल्ट में जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 178 करोड़ था वो इंक्रीज होकर 306 करोड़ हो गया 300 करोड़ हो गया जबकि रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम थी क्यों क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लूज हो गया था ना वो वापस से आ गया सो so, यहां पर दिस कंपनी बिकेम ए नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आफ्टर मेनी ईयर्स राइट अब एक ही क्वार्टर को लेकर यहां पर सारी चीजों को कंक्लूड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर आया और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गई और फोर्टी एट करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट आया इट मीन्स टू क्वार्टर कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट एंड जो रीजन था फॉल करने का वो खत्म हो जाना इट मीन्स देर इज ए इंप्रूवमेंट इन लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट

एक में भी नहीं मीन्स आप स्कोप समझ सकते हो कहां तक है एसी छोड़ो कूलर्स नहीं है कूलर छोड़ो प्राइमरी स्कूल में चले जाओ फैन भी नहीं है अगर फैन के पैसे मिले भी ना तो खा गए हैं, सीरियसली यही सिचुएशन है क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं ना ना तो फैन थे ना लाइट थी उन सरकारी स्कूलों में और वो सिचुएशन चेंज नहीं हुई अभी तक वैसी ही है नो no चेंजेस और अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस चीज से चार्ज होंगे इलेक्ट्रिसिटी से तो हम सब समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन लगातार बढ़ने ही वाला है वो कम नहीं हो सकता ठीक है तो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ये भी चीज क्लियर हो गई अब ये कंडीशन जब सारी मीट हुई ये कब हुई जब हमने सेकेंड क्वार्टर में भी यहां पर ग्रोथ देखा और ग्रोथ देखने वाली डेट क्या थी पीडीएफ में जाकर चेक किया द डेट द डेट इज सेवेंथ नवंबर 2020 राइट सेवेंथ नवंबर 2020 तो सेवेंथ नवंबर 2020 को प्राइस क्या था सेवेंथ नवंबर 2020, the price was 2.50 वॉज टू पॉइंट और मैंने टू जब प्राइस था तब ट्वीट किया था और उस ट्वीट में बताया था कि मैंने 2.35 पर purchase करने स्टार्ट किए थे उसी टाइम पर इसी डेट के आसपास इस डेट के आसपास या यहां के आसपास सेम ही रेंज में आप समझ पा रहे हो मेरी बात को तो जब हमारी ये सारी कंडीशन मीट हो गई अब व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन सिक्स कंडीशन के मीट होने के टाइम पर हमारा प्राइस लाइफ टाइम हाई से फिफ्टी परसेंट डाउन होना चाहिए तो मीट हो गई द एट पॉइंट कि जब सेवन कंडीशन मीट हो जाए बाय तो हमने यहां पर बाय कर लिया वट इज द बाइंग बाइंग लेवल इज जब हमारी कंडीशन मीट हुए वट इज द सेलिंग प्राइस नाइन्थ कंडीशन कि बाइंग करने के बाद में अगर विद इन ट्वेल्व मंथस हंड्रेड परसेंट गेन आ जाए देन एक्सेप्ट राइट तो विद इन ट्वेल्व मंथस हंड्रेड परसेंट गेन आया क्या टू हंड्रेड ट्वेंटी डेज में हमारा हंड्रेड परसेंट गेन आ गया सेवन एंड हाफ मंथ हमने एग्जिट कर लिया और उसके बाद में लगातार ट्रेड करते रहे कब तक जब तक जब क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आप समझ पा रहे हो इस बात को जिस स्टॉक में सब घबराए हुए थे जिस स्टॉक में 99 नाइन परसेंट पैसा खोया था लोगों ने और 99 नाइन परसेंट लोगों ने उस स्टॉक में हम 100 परसेंट पैसा कमा के निकल और इसकी भी YouTube वीडियो बनाई थी उसी टाइम पर ऐसा नहीं है कि अभी एक केस स्टडी बनाई और आपके सामने प्रेजेंट कर दी मल्टीपल वीडियोस बनाई गई हैं उसी टाइम पर इसी तरीके से सारी चीजों को डिस्कस करके YouTube पर जाएंगे एंड जेपी पावर हिस्ट्री रिपीटिंग सुपर अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर जब ये वीडियो बनी थी 3.10 का प्राइस था थोड़ा सा हम आगे पहुंच गए हैं 3.10 और ये वीडियो कब बनी थी वीडियो बनी थी 31 मार्च 2021 3.10 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2021 वाज हियर राइट यहां और यहां से भी हंड्रेड परसेंट गेन था अगर वीडियो देखकर समझकर भी अगर कुछ किया होता और ये कहां तक गया स्टॉक प्राइस इट वेंट अपू इलेवन रूपीज यानी कि थ्री पॉइंट वन से इलेवन रुपीज तक गया वी डोंट केयर हमारा हंड्रेड परसेंट बना ना दैट्स इट दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस तो रियल टाइम पर हम पता है लगा सकते हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलें ऐसे और पैसा बनता है विद इन वन ईयर टारगेट अचीव होते हैं अब विद इन वन ईयर हंड्रेड परसेंट पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए लक नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए मेहनत के साथ में मेहनत तो चाहिए ही पर लक भी तो चाहिए लक किस चीज से बनता है वी हैव अंडरस्टूड सिर्फ एक्शन लेने हैं गीता में साफ साफ लिखा है कर्म ही सब कुछ है कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है इस जिंदगी में जितने भी लक क्रिएट होते हैं वो सारे कर्मों से होते हैं कर्म दो तरह के होते हैं एक फिजिकल कर्म जिसको भौतिक कर्म कहते हैं दूसरा स्पिरिचुअल कर्म जिनको आध्यात्मिक कर्म कहते हैं फिजिकल कर्म मींस आप बैठो एनालिसिस करो माइंड लगाओ स्पिरिचुअल काम आप चैंटिंग करो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आओ और उससे मेहनत करना और आसान हो जाए दोनों कर्मों की जरूरत है राइट नाउ थर्ड सीनारियो ब्यूटीफुल वन थर्ड सिनेरियो क्या है बिजनेस इज सेम नेट प्रॉफिट इज सेम मींस बिजनेस इज ओके सेल्स इज ओके

equitas holding is the next case study अब equitas holding का हम chart open करते हैं equitas holding का तो अब चार्ट ही नहीं है क्योंकि कंपनी मर्ज हो गई है equitas small finance bank में अब इसका चार्ट कहां से लाएं इसका चार्ट लेकर आते हैं नहीं ले आएंगे हम चार्ट इसका ऐसी बात नहीं है कहीं तो मिलेगा इसका चार्ट हम लेकर आते हैं स्क्रीनर से यहां भी तो चार्ट होता है राइट right? स्क्रीनर में चार्ट होता है ना सो वट ओज द लाइफ टाइम हाई

वन नाइनटी सिक्स का वन थर्ड मीन ऑलमोस्ट सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन लगभग तो ये तो थर्टी सेवन तक पहुंचे हम यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी मीट हो गई और ये fall का पीरियड कौन सा है सिक्सटीन से स्टार्ट हुआ गिरना बेसिक गिरावट कब से आई बेसिक गिरावट आई मे एटीन से राइट और सबसे बड़ी गिरावट कब आई पेंडेमिक में 115 से सीधा थर्टी सेवन राइट तो ये पूरी लगातार गिरावट थी अब इस पीरियड में हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल्स में क्या इंपैक्ट था फाइनेंशियल्स तो लगातार ग्रो कर रहे थे कभी कम हुए ही नहीं 16 में 1100 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़कर 1500 करोड़ हो गया वो 1600 हो गया 2200, 2800, 3700, 3900, 4200. हंड्रेड रेवेन्यू so तो कभी कम नहीं हुई यानी कि बिजनेस वॉज ओके एंड जो नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 159 से 14 इसलिए हुआ क्योंकि 2018 में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया आरबीआई की तरफ से क्योंकि 2018 से पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आरबीआई के एम्बिट में नहीं आती थी आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आती थी और उसकी वजह से जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज थी वो जरूरत से ज्यादा रिस्क लेकर लोन देती थी और लोन देकर फेल हो जाती थी और जब फेल होती थी तो सिर्फ कंपनीज का नुकसान नहीं होता था बल्कि जो पब्लिक का पैसा उन एनबीएफसी कंपनीज में डिपॉजिट था वो भी खत्म हो जाता क्योंकि एनबीएफसी कंपनी है लोन लेकर लोन देना इनका बिजनेस है तो लोन लेकर लोन देना बिजनेस है तो जिससे लोन लिया उसका पैसा भी तो खत्म हो गया ना तो यानी कि उस चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत फील हुई तो आरबीआई ने कहा जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं इनके लिए हम क्या करते हैं हैं अलग से रूल्स बनाते थोड़े से डिफरेंट थोड़े से लिबरलाइज रूल्स बनाते हैं और इनको अलग से लाइसेंस देते हैं उस टाइम पर टेन बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एट स्मॉल फाइनेंस बैंक सूर्योदय वही है जिनके आगे स्मॉल फाइनेंस है अब जब तक बिजनेस का नहीं पता होगा ये सब बातें पता नहीं चलेंगी तो बिजनेस के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सब पढ़ना बंद कर दो ये पढ़ना शुरू कर दो आई मीन फालतू की चीजों से ध्यान हटाओ टाइम मैनेज करो और काम की चीजें पढ़ो वहां पर फोकस करो है ना अब जब हमें यह चीज का पता चल गया कि यह माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया गया तो जैसे ही आरबीआई के कंट्रोल में आई तो कुछ चीजें जो इन्होंने बैड डेट नहीं दिखाए हुए थे उनको इन्होंने इमीडिएटली बैड डेट दिखाना पड़ा और अपने कुछ लोन को राइट ऑफ करना पड़ा और उनको लॉस दिखाना वो, वो वन टाइम एडजस्टमेंट थी तो वो, वो वन टाइम एडजस्टमेंट इनकी बुक्स में नजर आई टू राइट और उसके बाद से फिर से ये जैसे ही बुक्स क्लीन हुई क्योंकि रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रही थी बुक्स क्लीन हुई उसके बाद से फिर से नेट प्रॉफिट शुरू हुआ अब 2020 तक भी इनका नेट प्रॉफिट कम ही नहीं हुआ 2020 तक भी कम नहीं हुआ पूरा पेंडेमिक भी निकल गया इट मीन वॉट ना तो सेल्स कम हुई ना नेट प्रॉफिट कम हुआ और स्टॉक प्राइस 196 से कम होकर थर्टी टू हो गया एटी परसेंट फॉल राइट अब ऐसा कैसे होता है अब हमें रीजन समझने पड़ेंगे ऐसे सेंटीमेंट हुए किस वजह से बेकार रीजन क्या है बिजनेस रीजन, रीजन नहीं है तो कुछ इमोशनल रीजन है सेंटिमेंट्स के रीजन है अब इसके लिए बिजनेस समझते हैं बिजनेस क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअल में इनके कस्टमर्स कौन है ये लोन कितनी अमाउंट का देते हैं अगर किसी को फाइव थाउजेंड रुपीज का लोन चाहिए और वो एच बैंक के पास जाए कि मुझे फाइव थाउजेंड रुपीज का लोन चाहिए या थ्री थाउजेंड रुपीज का लोन चाहिए तो उसको भगा देंगे कोई एंटरटेन नहीं करेगा लेकिन क्या थ्री थाउजेंड रुपीज के लोन की जरूरत नहीं हो सकती अफकोर्स हो सकती है जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए जा रहे हैं या जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं वो बनने जा रहे हैं या फिर पेंटर बनने जा रहे हैं या कार क्लीनर बनने जा रहे हैं या वेजिटेबल सेल करने के काम से जा रहे हैं और उनको आकर क्या चाहिए उनको सिर्फ फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड रुपीज का लोन चाहिए जिससे वो मंडी से सब्जी परचेज कर सके वेजिटेबल्स परचेज कर सके फ्रूट्स परचेज कर सके और उसको सेल करना शुरू कर सके राइट अब ये भी तो इंसान है इनकी भी जरूरत है अभी जरूरत कैसे पूरी होगी तो इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया तो इनका कस्टमर बेस क्या है इनका कस्टमर बेस है वो लोग जो रूरल एरिया से आते हैं अर्बन एरिया में और इनिशियली सेट होने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स इनके वो लोग हैं जो रूरल एरिया से अनस्किल्ड लेबर है जो लेबर है नॉन स्किल्ड वो लोग हैं इनके कस्टमर्स इन बैंकों को मेन बेनिफिट क्या है इन बैंकों को बेनिफिट है दैट दे कैन चार्ज अप टू 3.75 परसेंट मंथली इंटरेस्ट ऑन द लॉन हाउ मच 3.75 परसेंट मंथली इंटरेस्ट एंड दे कैन चार्ज अप टू 8 परसेंट लोन प्रोसेसिंग फीस ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि जब कैलकुलेशंस की बात आई कि अगर हम हाफ परसेंट या वन परसेंट लोन प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेंगे और सामने वाले ने वन थाउजेंड रुपीज का लोन लेना है तो एग्रीमेंट तो वन थाउजेंड रुपीज के लोन का भी बनेगा, और बनेगाउटेंगे तो, तो वन थाउजेंड रुपीज के लोन पर वन परसेंटेज टेन रुपीज तो उससे ज्यादा का तो हमारा एग्रीमेंट के पेपर ही हो जाएंगे एम्प्लॉय की सैलरी अलग प्रिंटर अलग ऑफिस का किराया अलग हम सर्वाइव नहीं कर सकते तो आरबीआई ने इस चीज को समझते हुए बोला कि ठीक है यू कैन चार्ज अप टू एट परसेंट लोन प्रोसेसिंग फी अब सेम ही सिनेरियो इंटरेस्ट रेट पर आया किसी ने वन थाउजेंड रुपीज का लोन लिया उसकी ई हुई और उसका चेक बाउंस हो गया राइट right? अब चेक बाउंस होने के लिए यानी कि एक पेनल्टी होती है एक फीस होती है अगर हमने उसको कॉल कराया कस्टमर केयर से कॉल कराया कि भाई आके अपना पैसा दे दो उसकी कोस्टि नहीं निकलेगी इतनी छोटी सी तो इंटरेस्ट है तो इसलिए इनको 3.75 परसेंट तक इंटरेस्ट चार्ज करने का मौका दिया गया अगर आपको याद हो क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है डिले होने के केस में 3.75 परसेंट क्यों होता है द सेम रीजन आपने फाइव हंड्रेड का स्वैप किया और पेमेंट नहीं की सो दिस इज ए माइक्रो फाइनेंस लोन ये सेमी तो काम हुआ सेमी तो अमाउंट हुई इसीलिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर आरबीआई की तरफ से 3.75 परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना अलाउ है कभी ध्यान गया इस बात पे इसीलिए बिजनेस रीड करना जरूरी है इसीलिए बिजनेस को समझना जरूरी है डिटेल में जाकर टीवी पर नहीं मिलेंगी ये बातें हमें खुद ढूंढनी पड़ेंगी खुद से वर्कआउट करना पड़ेगा राइट तो हमें कस्टमर बेस पता चल गया लेकिन ये भी पता चल गया इसमें प्रॉफिट अच्छा है क्योंकि आरबीआई ने क्या किया 3.75 पॉइंट सेवन फाइव परसेंट अलाउ किया कीपिंग इन माइंड दैट द लोन अमाउंट कुड बी ओनली थ्री थाउजेंड रुपीज फोर थाउजेंड रुपीज फाइव थाउजेंड रुपीज लेकिन अगर कोई फिफ्टी थाउजेंड का लोन ले रहा है तब भी इतना ही चार्ज है और वहां खर्चा कम है तो यहां इनकम अच्छी है इनके मार्जिन अच्छे हैं इनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं ये हाईली प्रॉफिटेबल वेंचर है राइट और ये अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर है तो इसका रिजल्ट क्या है कि इन टेन बैंक की जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो अच्छा है और वो अच्छा कैसे है कि अभी तो मेजोरिटी ऑफ पीपल आर लिविंग इन रूरल एरिया एंड ऑल विल बी धीरे धीरे विल बी शिफ्टिंग टू अर्बन एरिया क्योंकि जितनी हाई राइज सोसाइटीज बनेंगी जितने ज्यादा स्कूल्स बनेंगे जितने ज्यादा फैक्ट्रीज बनेंगी उतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी बड़ी सिंपल सी बात है उतने ज्यादा कैब ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी और ये सारे लोग कहां से आने हैं सारे लोग बाहर से आने हैं उनको सेटल होने की जरूरत पड़ेगी तो ये बिजनेस लगातार फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसका अच्छा है ठीक है अब इनको रिस्क कहां हुआ जब पैंडेमिक आया आप ध्यान से समझना जब पैंडेमिक आया और पैंडमिक के टाइम पर अगर आपको एक सिनेरियो याद हो कि लोग 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर पैदल गए हैं शहरों से अपने घरों तक गांव तक दैट वॉज द मोमेंट जब सारी मीन सारी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सब फेल हो गए थे इस चीज को मैनेज करने वी हैव सीन दैट सिनेरियो कि लोग पैदल जा रहे थे अपने सर पे सामान रख के अपनी गोदी में छोटे बच्चों को लेकर और हजारों किलोमीटर पैदल चले है बोल और उस टाइम पर ऐसा फील हो रहा था सबको कि ये लोग अब कभी भी वापस मुड़कर नहीं आएंगे डू यू रिमेंबर दैट सीना All of us do remember. अब इन का कस्टमर बेस क्या है यही लोग हैं कहां जा रहे हैं वापस अपने गांव राइट और ये कब तक चलेगा? किसी को नहीं पता वापस आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता गांव में जाकर क्या करेंगे नहीं पता तो जो लोन इन्होंने इनको दिया हुआ है वो पैसा वापस मिलेगा क्या दिस इज अग डाउट यानी कि सारा पैसा खत्म हो जाएगा ये सारा एनपीए बन जाएगा और कभी कुछ नहीं होगा दिस वॉज द डाउट इस सिर्फ सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक प्राइसेस क्रैश कि अब सब कुछ खत्म हो गया है आप समझ पा रहे हो इस बात और इस रीजन से उस पर्टिकुलर क्वार्टर का जो 2020 का क्वार्टर था मार्च 2020 वो क्वार्टर डाउन भी गया और जून क्वार्टर भी रिकवरी हुई थोड़ी सी लेकिन पहले जो हाईएस्ट प्रॉफिट था क्वार्टरली वहां तक नहीं पहुंचा आप समझ पा रहे हैं लेकिन जितने भी यहां पर एनालिस्ट थे जो इस बात को सोच रहे थे कि कभी वापस नहीं आएंगे या इनसे पैसे की रिकवरी नहीं होगी उन्होंने यहां पर टू मिस्टेक्स की देर टू मिस्टेक्स मिस्टेक नंबर वन दे को रिलेटेड दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक विद नाइनटीन ट्वेंटी स्पेनिश फ्लू जब काला बुखार आया था और उसको काला बुखार का नाम दिया गया था इंडिया में अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं उस टाइम पर इंडिया में फाइव करोड़ पीपल की डेथ हुई थी हाउ मेनी फाइव करोड़ पीपल एंड टोटल पॉपुलेशन वॉज जस्ट ट्वेंटी फाइव करोड़ ट्वेंटी परसेंट लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पर ट्वेंटी परसेंट उसके पीछे क्या रीजन थे उसके पीछे दो रीजन थे देर वॉज नो कम्युनिकेशन सिस्टम जो एकदम से बताया जा सके सबको कि ये इसके प्रीकॉशनरी स्टेप्स हैं जो हम सबको लेने चाहिए एंड सेकेंड उस टाइम पर मेडिकल साइंस इतनी इंप्रूव नहीं थी कि उसकी वैक्सीन इमीडिएटली बनाई जा सके दीज वर द टू रीजन आप समझ गए इस बात को तो ये मिस्टेक थी 1920 से कोरिलेट रिलेट करने की आज की डेट में अगर अर्थ क्यूक आता है ना विद इन टेन विद इन टेन सेकेंड आप ट्विटर पे सर्च कर लो वहां अपडेट होता है, कि इतने का है। आज की इतने मैग्नीट्यूड का आज डेट में कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन का जो साधन है वो इतना ज्यादा एडवांस है यानी कि कोविड के कितने केसेस हुए कहां कितनी सावधानी बरतनी है कब बाहर निकलना है कब नहीं निकलना है क्या करना है क्या, करना है, क्या नहीं करना है एवरीथिंग वॉज देर राइट पॉइंट नंबर टू जो मेडिकल साइंस है आज की डेट में बहुत एडवांस है तो ये मिस्टेक थी 1920 से कोरिलेट करने की नहीं होना चाहिए सेकंड क्या मिस्टेक थी कि ये सारा लोन एनपीए बन जाएगा और इन लोगों से हम रिकवरी नहीं कर पाए अब से टेन इयर्स पहले क्या होता था जब आधार कार्ड नहीं था तब लोन को ट्रैक करने का जो तरीका होता था वो पैन कार्ड होता था और पैन कार्ड को डबल बनाना ट्रिपल बनाना फोर पैन कार्ड बनाना वॉज वेरी इजी पापा के नाम के आगे सरनेम हटा दिया नया पैन कार्ड बन गया आप समझ रहे हो पापा के नाम के आगे सरनेम लगा दिया तो नया पैन कार्ड बन गया इस तरीके से एक एक इंसान के पास चार चार पैन पे जो लोग इस तरह का, का काम करते थे फ्रॉड का, का, का काम करते थे कि एड्रेस चेंज किया रेंट पर रहते थे पैन कार्ड भी चेंज किया गायब हो गए दूसरा पैन कार्ड बन गया आइडेंटिटी चेंज हो गया नया बैंक अकाउंट खोल गया सब कुछ चेंज हो गया आज की रेट में एवरी बैंक अकाउंट एंड एवरी लोन अकाउंट इज लिंक विद द आधार कार्ड एवरी बैंक अकाउंट एंड एवरी लोन अकाउंट इज लिंक विद द आधार कार्ड नो बडी कैन हैव टू आधार कार्ड क्योंकि फिंगरप्रिंट्स हैं नो बडी कैन हैव टू आधार अब अगर कोई भी इंसान हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो अगर उसने अपने डेबिट कार्ड को किसी भी एटीएम पर यूज किया इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये बंदा कहां पर है बिकॉज नाउ ए डेज वी कैन नॉट हैव टू आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द आधार कार्ड राइट right? तो ये मिस्टेक थी लोगों की कि हम इनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे इनको ट्रेस नहीं कर पाएंगे और इंडिविजुअल से अपने लोन को रिकवर करना इज मच मोर इजियर देन कॉर्पोरेट क्योंकि इंडिविजुअल के इस केस में क्या करना है चार लोगों को भेजना है घर पर शोर मचाना है वो इंसल्ट के मारे किसी दूसरी जगह से लोन लेकर लोन पे कर दे या तो बाउंसर भेजने हैं या उल्टे सीधे फोन कॉल कराने तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लोन है दिस इज मच मोर सिक्योर बैड डेट सबसे कम होगा देन कॉर्पोरेट बैंक आप समझ पा रहे हो इस बात को तो ये सारे लोग वापस भी आए पैंडमिक कंट्रोल में भी आया ये सारे लोग वापस भी आए और ये एनपीए भी नहीं बना लेकिन स्टॉक प्राइस अभी ऊपर नहीं गया क्योंकि सेंटिमेंट्स है और सिचुएशन इंप्रूव होने के बावजूद भी ऑपरेटर क्या करता है ऑपरेटर बाय करना शुरू करता है और ऑपरेटर बाय करने के बाद में क्या करता है जब अपने पास अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक्स हो जाते हैं तब उसको लेकर चलना शुरू करता है वो इमीडिएटली लेकर चलना शुरू नहीं करता अगर यह बात आपको देखनी है तो आप यहां पर मोतीलाल ओसवाल का चार्ट देखो पहले जो हमने पहले डिस्कस किया कि जिस टाइम पर हमारी कंडीशंस पूरी हुई हमारी कंडीशंस कब पूरी हुई थी दिस पर्टिकुलर डेट को और ये सेम प्राइस पर अवेलेबल था आफ्टर लॉन्ग टाइम यहां से लेकर यहां तक हाउ मेनी डेज 175 हंड्रेड सेवेंटी फाइव डेज इट वॉज अवेलेबल एट द सेम प्राइस अगेन सिक्स मंथस तक ये सिक्स मंथस तक क्या क्या ऑपरेटर ने ऑपरेटर ने पहले जैसे हमने कंडीशन बनाई ऐसे ही उनकी कंडीशन है जब सारी कंडीशन देख ली उसको सेफ फील हुआ तब उसने बाय करना शुरू किया रेंज में रख के और जितनी क्वांटिटी वो चाहता है जब पब्लिक से ले ली एक जगह होल्ड करके स्टॉक प्राइस को तब उसके बाद लेकर चलना शुरू किया ऑपरेटर भी अपने पैसे पर खिलवाड़ नहीं करता ऑपरेटर भी बाइंग करना तभी शुरू करता है जैसे हम कंडीशंस पूरी कर रहे हैं ना अपनी जब उसकी कंडीशंस पूरी होती है एंड ऑपरेटर्स की कंडीशंस और हमारी कंडीशंस बिल्कुल सेम है ये नहीं पूछना कब मिले थे ऑपरेटर से जा ठीक है लेकिन कंडीशंस हमारी और ऑपरेटर्स की बिल्कुल सेम कोई डिफरेंस नहीं है आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को सेम चीज आप जेपी पावर में आप देखना कि जब कंडीशंस मीट हुई उसके बाद में काफी टाइम तक सेम प्राइस पर रहा स्टॉक हमारी कंडीशंस पूरी हुई यहां सिक्स नवंबर को और ये सेम प्राइस पर अवेलेबल था इवन आफ्टर फोर एंड हाफ मंथ्स क्यों क्योंकि इस बीच में उसने सिर्फ बाइंग की है अगेन एंड अगेन सेम प्राइस पर आया है तो ये चीजें हमेशा रहेंगी अब हम बात करते हैं वापस से एक्विटास तो एक्विटास में आ, जब हम यहां पर चेक कर रहे हैं हाँ एक्विटास का तो चार्ट ही नहीं है अच्छा कोई बात नहीं एक्विटास का चार्ट हमारे पास यहां पर है यहां पर चार्ट है और एक्विटास के केस में अब अभी तक हमने क्या चीजें डिस्कस की दिक्सटी सेवन परसेंट फॉल एंड द रीजन ऑफ द फॉल द रीजन ऑफ द फॉल एंड आफ्टर सिक्स सेवन मंथस रीजन डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि लोग वापस भी आ गए और एनपी भी नहीं बना राइट right? यह चीजें क्लियर हो गई सो थर्ड पॉइंट ठीक हो गया फोर्थ पॉइंट की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड वो भी हमने चेक कर लिया पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हमने चेक कर लिया यह कंडीशन भी पूरी हो गई फिफ्थ क्या है फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट या लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट तो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है हमने बात कर ली मोर स्कूल्स मोर कॉलेज मोर फैक्ट्रीज मोर वर्कर्स मोर बिजनेस लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट अब ये भी चीज चेक कर लेते हैं हम वापस से स्क्रीन पर गए क्वार्टरली रिजल्ट में गए तो यहां पर जून में इंप्रूवमेंट नजर आई उतनी नहीं आई और दो क्वार्टर की इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज टू कीप अस ऑन द सेफर साइड क्या नजर आया सेप्टेंबर क्वार्टर में हाइएस्ट एवर रेवेन्यू एंड हाइएस्ट एवर नेट प्रॉफिट और कितना नेट प्रॉफिट एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट हंड्रेड करोड़ और इससे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था एनुअल प्रॉफिट टू हंड्रेड करोड़ और यहां एक ही क्वार्टर का कितना आया हंड्रेड करोड़ सेम सिनेरियो जो मोतीलाल ओसवाल का था पहले पूरे साल का प्रॉफिट 200 करोड़ था और अब एक ही क्वार्टर का कितना आया 100 करोड़ यानी कि अगर सेम प्रॉफिट आए फोर क्वार्टर्स का तो एनुअल प्रॉफिट होगा 400 करोड़ यानी कि पिछले हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस से डबल इससे ज्यादा तो इंप्रूव्ड लेटेस्ट क्वार्टरली ले रिजल्ट्स नहीं चाहिए ना राइट तो ये चीज भी पूरी हो गई अब हम ये देखते हैं कि ये रिजल्ट्स आए कब हमारी कंडीशंस किस डेट को मीट हुई हमारी कंडीशंस मीट हुई नवंबर थर्टींथ टू थाउजेंड ट्वेंटी राइट नवंबर थर्टींथ टू थाउजेंड ट्वेंटी नो व्हाट वाज़ द प्राइस ऑन नवंबर थर्टींथ टू थाउजेंड ट्वेंटी सी थर्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वीकली दिखा रहा है क्या हम थोड़ा सा थ्री इयर्स चेक करते हैं तब शायद और डिटेल में दिखाए यस सो नवंबर दिखा है yes. so 13, 2020, आप यह मानकर चल सकते हो फिफ्टी वन के आसपास का प्राइस था क्योंकि फोर्टीन नवंबर का ये प्राइस है राइट दिस इज क्लियर फिफ्टी वन का प्राइस था सो वन नाइनटी सिक्स से फिफ्टी वन का प्राइस It means yeah, 50 से ज्यादा डाउन है दिस इज क्लियर तो हमारी यानी कि जो बाइंग करने तक की हैं कि ऊपर की six conditions पूरी होने के पर जो कंडीशन है कि 50 तक डाउन रहे वो पूरी हो गई इट मीन थर्टींथ नवंबर को वी कैन बाय दिस इज क्लियर और थर्टींथ नवंबर को जब बाय कर सकते हैं सो व्हाट इज द नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट क्या है अगर हंड्रेड परसेंट गेन आ जाए फर्स्ट वन ईयर में वी विल बुक प्रॉफिट एंड वी विल एक्सेप्ट। तो यह क्या नजर आता है नवंबर फिफ्टी वन एंड नाइन्थ जुलाई वन हंड्रेड फिफ्टीन मोर देन हंड्रेड परसेंट गेन फिफ्टी से वन फिफ्टीन नवंबर से लेकर जुलाई तक इट मींस एट मंथ्स हंड्रेड परसेंट गेंद एट मंथ हंड्रेड परसेंट गेंद कौन से स्टॉक में जो स्टॉक लाइफ टाइम हाई से एटी परसेंट डाउन गया हो एवरीबडी वुड कीप ऑन से इतना अच्छा था तो गिरा क्यों अगर गिरता नहीं तो हंड्रेड परसेंट कमाते कैसे वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द फॉल एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड की वो रीजन आज की डेट में ना हो एंड वी नीड टू सी द इंप्रूवमेंट इन लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट एंड वी नीड टू सी की पहले इसने अच्छा काम किया हो एंड वी नीड टू सी की फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो इज इन डेट अब बात यह आती है इसकी भी वी वीडियो बनाई थी क्या आप सबको मैं पहले बना चुक, बता चुका हूं टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की दिवाली के दिन इसकी वीडियो बनाई थी और आपको पता है वो दिवाली के दिन डेट क्या थी दिस वॉज थर्टींथ नवंबर जिस दिन रिजल्ट आए थे दैट वॉज थर्टीन जब रिजल्ट आए थे धन की बरसात विवेक सिंह वट वॉज द डेट थर्टींथ नवम्बर यू कैन सी दिस अगर हम ये एक बार चलाकर देखें page. So, तब तो मुझे ये आ, कौन सा फीवर होता है जो मच्छर काटने से होता है डेंगू ये तब हुआ था उसके बाद में मैं थोड़ा सा वीक हो गया था ये तब की वीडियो में so uh, yes the price was 49.5 and the date was 13th november the price was at the time of video was 50.05 13th november को उससे पहले मैं सारी कंडीशन मीट करके बैठा था एक्विटास के बारे में एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग की जो हमारी सिक्स कंडीशन है लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नजर आ जाए और मैं वीडियो बनाऊं और इसमें हंड्रेड परसेंट ऐसा कमाए मैं सिर्फ इस रिजल्ट की वेट कर रहा था कि अगर रिजल्ट इंप्रूव होकर आ गए तो बाकी सारी कंडीशंस तो ऑलरेडी मीट हो चुकी हैं वीडियो भी बनी परचेज भी किए और पैसे भी कमाए आप समझ पा रहे हो इस बात को लेकिन खरीदा किस किसने हैं यहां ब्लेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसको लाइटली मत लेना और ब्लेसिंग्स आध्यात्मिक कर्म एंड भौतिक कर्म ये दोनों से मिलकर बनता है सिर्फ एक चीज से मिलकर नहीं बनता अगर सिर्फ एक चीज से मिलकर बनता तो मंदिर के पुजारी सबसे अमीर होते अगर सिर्फ एक चीज से बनता अगर सिर्फ आध्यात्मिक कर्मों से बनता तो मंदिर के पुजारी सबसे अमीर होते क्योंकि वो तो 24 घंटे मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं लेकिन आध्यात्मिक कर्म अकेले काम नहीं कर सकते यहां भौतिक कर्म उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और सिर्फ भौतिक कर्म भी काम नहीं करते आध्यात्मिक कर्म भी जरूरी है। अब एक चीज अगर आपको याद हो आई हैड मेड वीडियोज कंसिस्टेंटली लगातार ऑन ऑल पी एस यू बैंक जब वो बिल्कुल डर्ट चीप प्राइस पर थे राइट और जो मैंने लेटेस्ट आपको दिखाया था अपना पोर्टफोलियो जो एक वीडियो बनाई थी अपने एक्विटी पोर्टफोलियो की उसमें सरकारी बैंकों में पीएसयू बैंक में सिर्फ एक बैंक बचा था पीएनबी इट बाकी सब कहा थ्री टाइम्स इन थ्री सेम स्ट्रेटजी के बेस पर हंड्रेड परसेंट गेंद मिला और मैं निकल गया लेकिन पीएनबी में अभी तक हंड्रेड परसेंट गेंद नहीं आया तो मैं होल्ड करके बैठा हूं दिस इज सो सिंपल सो ईजी समझ में आ रहा है कुछ रियल टाइम पर मैं कैसे प्रॉफिट बुक कर रहा हूं कहां कहां पर और कैसे वीडियोस बना रहा हूं और कैसे एग्जिट कर रहा हूं और किस में बना हुआ हूं अभी तक तो क्यों बना हुआ हूं पैसे कमाने के जो स्टेप्स हैं ना वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिच बनने के जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिंपल है किसी भी काम को करके अगर पैसा कमाना है तो उसमें टॉप पर चले जाओ एक ही काम बहुत है एक ही काम बहुत है सीरियसली पैसा कमाने के लिए आपको याद है जो ब्रूसली है उसकी एक उसकी एक मींस एक स्टेटमेंट है कि उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको थाउजेंड टाइप्स की किक मारनी आती हो उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक पर थाउजेंड टाइम्स काम किया तो हम ऑप्शंस भी सीख लें फ्यूचर्स भी सीख लें करेंसी भी सीख लें मोडिटीज भी सीख लें एक्विटी भी सीख लें इंटरडे भी सीख लें स्विंग ट्रेडिंग भी सीख लें इन्वेस्टमेंट भी सीख लें म्यूचुअल फंड भी सीख लें कुछ बात नहीं बनेगी एक चीज सीख लो स्विंग ट्रेडिंग और सारा फोकस नहीं दे दो अल्ट्रा रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर दुर्योधन को धनुषान चलाना भी आता गदा चलानी भी आती भाला चलाना भी आता तो कुछ चलाना नहीं आता दुर्योधन को सिर्फ एक ही चीज क्यों सिखाई गई सिर्फ गदा अर्जुन को सिर्फ एक ही चीज क्यों सिखाई गई सिर्फ धनुष धनुषान वाय बिकॉज गुरु अंडरस्टैंड एक ही चीज में महारत हासिल करो बाकी चीज की जरूरत नहीं है लेकिन हमारा ध्यान क्या भटका हुआ है हम हर चीज में एक्चुअल में मल्टी होना चाहते हैं मल्टी कभी भी टॉप पर नहीं पहुंचते मल्टीटास्कर कभी भी टॉप पर नहीं पहुंचते एक ही चीज को लेकर जो चलते हैं ना वही टॉप पर पहुंचते आज तक कभी किसी डॉक्टर को देखा है जो आईज हो और हार्ट की सर्जरी भी करता हो और ई केयर भी हो और पीडियोट्रिशियन भी हो कभी देखा है और अगर कोई हो सच में तो उसके पास इलाज कराने जाओगे क्या सिर्फ एक चीज पे है ना और जो एक चीज में एक्सपर्ट बने वो सारे अच्छा कर रहे हैं ना आ, आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को तो इसलिए मेरा मेजोरिटी ऑफ पैसा आज भी इसी स्ट्रेटजी के बेस पर लगा है आज भी अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पीएसयू का भी एग्जाम्पल दिया कि क्यों सारे पीएसयू खरीदे क्यों सबसे निकल गए और सिर्फ एक में है क्योंकि बाकी सब में हंड्रेड परसेंट गेन आ गया इसमें नहीं आया दिस इज सो सिंपल लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके सामने अब जैसे अब आपको याद हो जो मैंने अपना एक्टिव पोर्टफोलियो एक्सेल शीट में शेयर करते हुए दिखाया उसमें सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगा है इंडिगो पेंट्स टोटल पोर्टफोलियो का फिफ्टीन परसेंट अब इंडिगो पेंट्स को एक बार ओपन करते हैं इंडिगो पेंट इज डाउन बाय सिक्सटी सेवन परसेंट येस नाउ अब इसके फाइनेंशियल्स में जाते हैं क्या इसकी रेवेन्यू कभी कम हुई आज तक भी कम नहीं हुई सो देर इज नो प्रॉब्लम इन द बिजनेस इज नो प्रॉब्लम इन द बिजनेस राइट आज तक इसका नेट प्रॉफिट कम हुआ क्या नहीं देर इज नो प्रॉब्लम इन द फाइनेंशियल इट मीन ये कौन सा सिनाइरियो है दिस इज दर्ड सीनारियो तो प्रॉब्लम कहां है प्रॉब्लम है सेंटीमेंट्स में सेंटिमेंट्स कैसे एशियन पेंट इज डाउन बर्जर पेंट इज डाउन कैंसाइन एरोल इज डाउन तो ये भी डाउन दैट्स इट कहां से आए आप समझो रीजंस कहां से आए अब जो एशियन पेंट डाउन है बर्जर पेंट डाउन डाउन है है अब वो डाउन क्यों है क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़े और डॉलर के प्राइसेस बढ़े तो रीजंस पता चल गए फॉल का रीजन पता चल गया एग्जैक्ट रीजन पता चल गया अब वो रीजंस आज की डेट में है क्या क्रूड भी नीचे आ चुका है डॉलर भी नीचे आ चुका है पास्ट परफॉर्मेंस है लेटेस्ट क्वार्टरली कौर्ट, रिजल्ट हाईएस्ट एवर है फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और रीजंस खत्म हो चुके हैं और अभी भी 50 परसेंट से ज्यादा फॉल है तो मैं बाय क्यों नहीं करूं मी द रीजन एंड व्हाई वुड आई नॉट मेक 100 परसेंट गेन इन दिस स्टॉक इट्स अ गारंटी वी विल मेक स्टैम्प पेपर पर लिख कर स्टॉक मार्केट में हम गारंटी दे नहीं सकते बिकॉज दिस इज लीगली नॉट अलाउड अदरवाइज में वो भी दे सकता हूं वाई नॉट कोई रीजन तो पता है एंड मोर ओवर आप एक चीज समझो ये जितना हाइएस्ट एवर प्रॉफिट है ये किस बेस पर है दिस इज बेस्ड ऑन टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन करोड़ रुपीज ऑफ एसेट्स दो हजार ऑपरेशनल एसेट्स वन सेवेंटी फाइव अंडर कंस्ट्रक्शन है राइट right? जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी सेल्स नहीं बढ़ेगी क्या और सेल्स बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा क्या सब कुछ तो आंखों के सामने है लेकिन लोग पता है क्या कहेंगे विवेक भाई इतना अच्छा था तो गिरा क्यों लोग सिर्फ एक ही बात कहेंगे इतना अच्छा था तो गिरा क्यों और कुछ नहीं पीपल विल कीप ऑन टॉकिंग लाइक दिस मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको आई डोंट नो हाउ मच टाइम विल इट टेक लेकिन मेरा और जो मेरी इन सिखाई हुई चीजों को एज इट इज फॉलो करेगा सिखाई हुई चीजों में सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है रिमेंबर टाइम मैनेजमेंट हेल्थ का ख्याल रखना चैंटिंग बड़ों का ख्याल रखना पॉजिटिव लेना नेगेटिव को हटाना ये सब पार्ट है तो मेरी सिखाई हुई चीजों में सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है स्टॉक मार्केट को अच्छा करने के लिए जो साथ में सप्लीमेंट चीजें चाहिए हमें एंसिलरी चीजें चाहिए सपोर्टिंग चीजें चाहिए वो साथ में है इसीलिए मैं वो सारी बातें करता हूं तो मेरा और जो इन सब चीजों को इज फॉलो करेगा उन सबको बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता मैं यहां पर सो दो सौ करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर आज के हिसाब से डॉलर की वैल्यू के हिसाब से एट थाउजेंड टू हंड्रेड करोड़ रुपीज की बात कर रहा हूं कोई नहीं रोक सकता मैं ये कह रहा हूं जिस हिसाब से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज का एक भंडार सा रहेगा आने वाले टाइम में नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स में नो बडी कैन स्टॉप आई एम सींग नो बडी और यही रीजन है कि इवन दो कभी कभी मेरा मन नहीं होता पढ़ाने का लेकिन मैं इस चीज को जब फील करता हूं ना कि इतने सारे बिलियनियर्स जो बनना चाहते हैं जो सीखना चाहते हैं वो छूट जाएंगे मुझे वहां थोड़ा सा ये फील आता है कि नहीं गलत हो जाएगा ऐसे तो जो मेरे गुरुजी हैं रविशंकर जी वो भी सिखाना छोड़ सकते थे वो भी सिर्फ एक कमरे में बैठ के अपनी तपस्या करके अपने आप को अच्छा कर सकते थे लेकिन वो भी अभी तक क्यों सिखाते हैं वो टीचर्स क्यों बनाते हैं उनको भी फील आता है कि जो चेंज ला सकते हैं वो छूट जाएगा सिर्फ कुछ लोगों के कमेंट से कि विवेक भाई आप पैसे लेते हो पढ़ाने के अगर पढ़ाने के पैसे नहीं लिए जाए ना तो जो स्टूडेंट सीरियस हैं और जो सीरियस नहीं हैं इसके बीच का जो सेग्रीगेशन है वो नहीं हो पाएगा ये फीस इसलिए ली जाती है अदरवाइज एक चीज बताओ एक्विटास की होल्ड एक्विटास होल्डिंग की वीडियो क्या यूट्यूब पर नहीं है क्या वो फ्री नहीं है कितने लोगों ने सीखा उससे मोतीलाल ओसवाल की वीडियो क्या वहां नहीं है क्या जो हमारा जेपी पावर है उसकी वीडियो नहीं है क्या सारे पीएसपी बैंक की वीडियोस नहीं है क्या इंडिगो पेंट की वीडियो नहीं है क्या लक्स इंडस्ट्रीज की वीडियो नहीं है

और थोड़े से आगे बढ़ गए आई एम नॉट सेम कि आप आगे ज्वाइन करो लेकिन मैं आपको रीजन बता रहा हूं आई एम शेयरिंग विद यू बिकॉज यू आर लाइक माइंडेड पीपल लाइक माइंडेड बिकॉज यू यू टू लर्न एंड हैव बिलीव इन मे यू हैव फेथ इन मे आई एम जस्ट शेयरिंग तो हमें अगर बिलियनियर बनना है सब चीजें सीखो प्रैक्टिस करो टाइम मैनेजमेंट रखो और टाइम होने के बाद हम मेहनत कर पाए इसके लिए अपने शरीर का ख्याल ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं आप समझ रहे हो इस बात को अभी हम एक बार लिस्ट नोट डाउन कर लेते हैं जो मेरे हिसाब से आर द कैंडिडेट्स राइट नाउ अवेलेबल फॉर थ्री टाइम्स इन थ्री टाइम्स इन थ्री इयर्स इस स्ट्रेटजी इस के बेस पर सो नंबर वन इज इंडिगो पेंट्स इंडिगो पेंट इज द नंबर वन द फर्स्ट रैंकिंग कुछ नहीं है द इज नो रैंकिंग एट सच बट इंडिगो पेंट इज वन बंधन बैंक अभी भी सिक्सटी नाइन परसेंट डाउन है अभी भी और सारे बैंक की बुक्स क्लीन हो चुकी हैं सारे बैंक की बुक आज की डेट में राइट सो सेकेंड इज बंधन बैंक एंड थर्ड इज जी आई सी आर ई टॉप से 65 परसेंट डाउन है अभी भी जीआईसी के गिरने का रीजन क्या था हाई इंश्योरेंस क्लेम बिकॉज ऑफ कोविड अभी हाई इंश्योरेंस क्लेम खत्म हो गया तो प्रॉफिटेबिलिटी वापस से आएगी और शेयर प्राइस वापस से आएगा सो सिंपल सो सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस इज इजी वेरी इजी राइट थर्ड इज जी आई सी आर ए देन ग्लैंड फार्मा ग्लैंड फार्मा की गिरने का क्या रीजन था हाई इंफ्लेशन ऑफ रॉ मेटेरियल ऑफ फार्मा कंपनी सिंपल जो कूल cool ऑफ हो रहा है और ये कितने परसेंट डाउन है अभी भी सिक्सटी एट परसेंट राइट नेक्स्ट जीएम फाइनेंशियल सिक्सटी एट परसेंट डाउन मतलब कसम सी खाई हुई है सिक्सटी एट परसेंट की सभी ने अभी जा तो सिक्सटी एट ही आ रहे सारे बाई चांस अब जेएम फाइनेंशियल की क्या प्रॉब्लम है जब कभी भी स्टॉक मार्केट में ध्यान से समझना जब कभी भी स्टॉक मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप बेकार परफॉर्म करेंगे स्टॉक ब्रोकिंग फॉर्म नीचे आ जाएंगे सिंपल मोतीलाल ओसवाल वाला बिल्कुल सेम सीन है और मार्केट जब रैली करेगी ये सारे वापस आ जाएंगे कम से कम हंड्रेड परसेंट देने के सो इजी सो सिंपल नेक्स्ट लक्स इंडस्ट्रीज लक्स इंडस्ट्रीज के क्या रीजन थे अच्छे खासे फॉल के देर वर टू रीजन्स सेवेंटी परसेंट डाउन है देर टू रीजन्स वन कि प्रमोटर ने अपने एक दोस्त को रिजल्ट्स आने से पहले बता दिया था कि कुछ शेयर्स ले लेते नेचुरली, ठीक है दोस्त ने ले लिए रिजल्ट आया और उसके अगले दिन ही बेच दिए और इतनी बड़ी क्वांटिटी में परचेज किए और इतनी बड़ी क्वांटिटी में सारे बेच दिए सब्र नहीं किया कि धीरे धीरे निकालता नेचुरल लगता वो ट्रैक में आ गया ट्रैकिंग में जब फोन पे कॉल रिकॉर्डिंग सुनी डेटा निकलवाकर सामने आ गया तो इनके ऊपर इंसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा और पेनल्टी लगी पर सब लोग क्या कहते हैं विवेक भाई इंसाइडर ट्रेडिंग की थी मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट पागल है मैनेजमेंट पागल है लेकिन सिंप्लिस में समझो बात को <laughs> अब एक बार दोस्त को बता के इनसाइडर ट्रेडिंग का पेनल्टी लग गई तो पागल है क्या दोबारा बताएंगे आप <laughs> समझो बात को दिस इज नॉट ए क्राइम ये बचकाना हरकत थी इनकी बचपना था ये बेवकूफी थी ऐसी जिसको वो रिपीट नहीं करेंगे इट जो रीजन था फोल का वो फॉल का रीजन अब नहीं है आप समझ गए इज द सेकेंड रीजन सेकेंड रीजन वॉज हाई कॉटन प्राइसेस जो आज की डेट में नहीं है ठीक हो रहे हैं अब जब रीजन खत्म हो रहे हैं ये भी ऊपर आ जाएगा वर्ट्स रॉन्ग इन दैट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड था क्या आप चेक करके देखो इट्स ए ग्रेट कंपनी एवर इंक्रीजिंग इट्स ए ग्रेट कंपनी नेट प्रॉफिट एट करोड़ से बढ़कर थ्री हंड्रेड फोर्टी करोड़ तक पहुंचा इट्स ए ग्रेट कंपनी लेकिन लोग क्या कहते हैं इतनी अच्छी होती विवेक भाई तो इतना नीचे आता क्या हमेशा ऐसी बातें करेंगे वी नीड टू नो द रीजन ऑफ द फॉल एंड वी नीड टू नो कि ये वो रीजन आज की डेट में है या नहीं दीज आर द स्टेप्स राइट अब अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें हम और यहां हम वॉल्यूम साथ में चेक करें आज तक की हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है आज तक की हाईएस्ट एवर वॉल्यूम और ये हमारी वीडियो बनने के बाद में जब मैंने अपना पोर्टफोलियो शो किया था किसी को समझ में आ गया होगा कि अपने पैसे भी लगाने चाहिए एक लाइन के भी लगाने चाहिए और इस ऊपर जाने के बाद में गिरा नहीं है इट इज ट्रेडिंग इन रेंज यानी कि ये जो बढ़ात आई थी वॉल्यूम के साथ ये फेक नहीं थी ये ट्रैप नहीं था ये एक्चुअल था लोगों को ये स्टॉक पता कब अच्छा लगेगा जब ये हंड्रेड परसेंट दे चुका होगा वहां लोग खरीद रहे होंगे और हम प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई है इस नीचे वाले प्राइस पर नीचे वाले प्राइस पर कभी भी रिटेल पब्लिक बाइंग नहीं करती वो तो डरी होती है जो बिजनेस को समझ सकता है जो मैच्योर है जो बड़ा है सिर्फ वही बाय करता है नीचे के प्राइस पर रिटेल पब्लिक तो ऊपर के प्राइस पर बाय करती आप समझ पा रहे हो मेरी बात को ये एक्स्ट्रा इंडिकेशन है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, बट दिस इज एन एक्स्ट्रा इंडिकेशन सो लक्ष इंडस्ट्रीज मैंने बताया एन आई ए सी एल न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जनरल जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो गवर्नमेंट की है न्यू इंडिया एश्योरेंस एन आई ए सी एल द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी इसका भी सेम ही सिनेरियो था नीचे आने का क्या पैंडेमिक के टाइम पर हाई क्लेम रेशो अपना पैंडेमिक है और बिजनेस ग्रो कर रहा है सेवेंटी टू परसेंट फॉल है अभी भी इवन आफ्टर दिस राइट नेक्स्ट पी एनबी इज स्टिल गुड फॉर हंड्रेड परसेंट गेन पीएनबी इज स्टिल गुड फॉर हंड्रेड परसेंट गेन फ्रॉम द करंट प्राइस अभी भी ये अभी भी हंड्रेड परसेंट गेन के लिए अच्छा है नो डाउट अबाउट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी लाइफ टाइम हाई से 55 परसेंट डाउन है अभी भी एंड दिस बैंक इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट थ्री हंड्रेड करोड़ रुपीस का लास्ट टू क्वार्टर्स का कंसिस्टेंट प्रॉफिट है एक साल का 1200 करोड़ बैठता है 1200 करोड़ और हाईएस्ट एवर इससे पहले के प्रॉफिट कितने थे ओनली 350 करोड़ यानी कि 350 करोड़ जो पूरे साल का प्रॉफिट होता था उतना एक क्वार्टर का प्रॉफिट है और स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम हाई से 55 परसेंट डाउन है थिंक अबाउट इट नेक्स्ट वेब ऑफ ग्लोबल सेवेंटी परसेंट डाउन इसके क्या रीजन थे इसके रीजन थे इसका जो रॉ मटेरियल है जो डायमंड है रो डायमंड है रो डायमंड आता है यूक्रेन से और यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से वहां से सप्लाई हो गई बंद तो जो अवेलेबल क्वांटिटी थी पूरे वर्ल्ड में उसके प्राइसेस बढ़ गए बस यही रीजन था अब ये रीजन अभी भी है विवेक भाई ये तो बात आप नहीं कह सकते इन द मीन वाइल इन्होंने लैब अपनी क्रिएट कर ली जहां पर लैब ग्रोन डायमंड्स बनेंगे और लैब ग्रोन डायमंड में और एक्चुअल डायमंड में सिर्फ जरा सा डिफरेंस है कुछ भी डिफरेंस नहीं तो जो रीजन थे वो खत्म हो गए इन्होंने अपनी ही फैक्ट्री बना दी अपनी ही लैब बना दी अभी कैसे पता चलेगा पढ़ो मेहनत करो देर इज नो अदर रीजन मीन्स देर इज नो अदर ऑप्शन लेकिन ना अगले एक साल का काम तो मैं ऐसे ही करा रहा हूं ना अभी आपको नोट डाउन करा के सो नथिंग टू वरी राइट सो Web of Global and next is Valiant Organics Seventy four percent down.

ठीक है, क्लियर है समझ में आया एक और चीज आदित्य जो अपनी टीम में था वो छोड़कर जा चुका है ठीक है इसीलिए आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करने में मुझे थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन फिर भी मैंने यस्टरडे यस्टरडे तक के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे सॉल्व किए थे इसीलिए डिले हुआ मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि दिस इज एन एटीट्यूड टू आंसर विद ए डिले नो दिस इज नॉट द एटीट्यूड एंड दिस इज नॉट द प्रैक्टिस दिस वॉज द प्रॉब्लम जो सडनली हो गई एंड नो बडी द कंट्रोल ऑन दैट आदित्य इज अ गाय हु हु वाज इन इन माय टीम हु हैड जॉइंड इयर्स बैक हु लर्न एवरीथिंग एंड ही वाज रिप्लाइंग द कॉमन क्वेश्चंस बिकॉज ऑल द क्वेरीज फ्रॉम द ऑनलाइन बैचेस बॉज द कॉमन क्वेरी राइट सो ही वॉज रिप्लाइंग अब वो अगर छोड़ के चला गया सडनली तो मैंने सोचा दो दिन की छुट्टी पर गया दो दिन बाद आएगा तीन दिन की छुट्टी हुई तीन दिन बाद आएगा चार दिन की छुट्टी हुई उसके बाद आएगा फिर उसके बाद पता चला कि सर मैंने मुंबई में कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने कहा बता के तो जाता है यार राइट बट एनी वेज सो इसलिए थोड़ा सा डिले होगा राइट right? आगे डिली नहीं होगा उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है मैं बैच ही करने बंद कर रहा हूं ठीक <laughs> है ना तो जो वेरी फ्रीक्वेंटली बैचेस होते थे वो बहुत कम होंगे तो इसलिए लेकिन बैचेस फिर भी होंगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी जिससे मैं भी अपनी एनर्जी को सही से यूटिलाइज कर सकूं और आ, एक ही प्लेटफार्म पर जिसको ज्वाइन करना है वो तब ज्वाइन कर सके राइट right? तो आ, यहां पर आ, आपको सीखते रहने की जरूरत है प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियोस को दोबारा देखना इंपॉर्टेंट है अपने इंप्लीमेंट करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है एक अपना टिक मार्क करने वाला कैलेंडर बनाना इंपॉर्टेंट है राइट right? सिंप्लिसिटी लाना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल दिस फैन यूनिबॉल दिस फैन आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट फॉर लास्ट फोर्टीन ईयर्स सेम पैन सेम पैन मीन्स नॉट द सेम पीस ऑफ पैन बट सेम पैन कुछ और चाहिए ही नहीं ईजी कर लो बिल्कुल लाइफ को बिल्कुल ईजी कर लो ईजी करके टाइम बचता है हमारा माइंड डिस्टर्ब होने से बचता आई हैव द सेम हेयर ड्रेस फोन करके जाता हूं होता है तो चला जाता हूं नहीं तो नहीं मतलब एक के साथ ही रुको ना यार। <laughs> क्यों भागे है? क्योंकि मुझे उसको यह नहीं बताना पड़ता कैसे काटने हैं समझाना नहीं पड़ता बस जब तक वो बाल काटता है तब तक मुझसे दो तीन शेयर के बारे में डिस्कस कर लेता है उसका भी काम हो जाता है मेरा भी काम हो जाता है सो सिंपल एंड ही गुड मनी तो प्यार बाटो नॉलेज बांटो और अच्छे लोग मिलेंगे जिंदगी में है ना अपना सब ख्याल रखो और बाकी कल बातें करेंगे कल सीखेंगे और कल अब यहां से जर्नी आगे लेकर कैसे चलना है वो चीजें डिस्कस करेंगे दीज सिक्स स्ट्रेटजीज आर मोर देन इनफ टू मेक मिलियंस एंड बिलियंस इन द लाइफ मोर स्ट्रेटजीज डजेंट मीन मोर मनी ये वही चीज है जो ब्रूसली की बात है एक ही स्ट्रेटजी दो या तीन स्ट्रेटजीज पर इतना अच्छी पकड़ बना लो कि उसमें मिस्टेक्स ना हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो जो ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं ये रहेंगी अवेलेबल डोंट वरी एक साल तो कम से कम रहेंगी एक साल के बाद भी डिलीट नहीं होंगी कहीं नहीं जाएंगी लेकिन रहेंगी तो uh, मैं भी रहूंगा आपके साथ और व्हाट्सएप uh, नंबर भी सेम रहेगा मैं भी रहूंगा कभी डिले हो जाए आंसर देने में सो इट्स ओके वो प्रैक्टिकल चैलेंज है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना लेकिन uh, मेरा मकसद ये है कि आप सब जिंदगी में बहुत अच्छा करो यार सब बहुत अच्छा थी। हमेशा ठीक है और uh, जब भी कुछ क्वेरी हो देन आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल YouTube पर कोशिश करूंगा कि फ्रीक्वेंसी अगर कभी कम हो तो कम हो जाए लेकिन बंद ना करूं बहुत बार ऐसा मन होगा कि ठीक है बंद कर देते हैं क्या रखा है लेकिन फिर से मन बदल जाता है फिर से वापस आ जाता हूं मैं ये काम करता रहता हूं बहुत बार बहुत बार थ्री मंथ्स के लिए गायब हो जाता हूं फिर से आ जाता हूँ फिर टू मंथ्स के लिए गायब हो जाता हूं फिर से आ जाता हूं सो so, ये बेसिक नेचर है फोर्सफुली बाहर निकल जाता हूं लेकिन बाई हार्ट जो माइंड है जो मन है वो वापस ले जाता है कि कोई बात नहीं बनाते हैं फिर से फिर से काम करते हैं तो ऐसा ही आपने भी रहना है फैमिली मेंबर्स से थोड़े टाइम के लिए गुस्सा हो गए ठीक है चलेगा लेकिन परमानेंट कुछ नहीं होगा परमानेंट सिर्फ अच्छी चीजें रहनी चाहिए टेम्परेरी बेकार चीजें रहनी चाहिए लाइफ में बाकी जो भी अच्छी चीजें वो परमानेंट रहनी चाहिए ठीक है प्रैक्टिस करते रहो और कल आगे इसको लेकर कैसे चलना है उस चीज को लेकर बात करेंगे कैसे फॉरवर्ड इसको इंप्लीमेंट कैसे करना और फिर तो उसके बाद में बातें भी करेंगे ओपन भी रखेंगे माइक को पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा वन आवर वन एंड हाफ एन आवर और उसके बाद में फिर डिस्कस करेंगे जो भी बातें करनी है ठीक है ठीके? कल मिलते हैं सब ठीक है थैंक यू ठाइए सर थैंक यू